नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेपेंस क्लासिफिकेशन। नाउ क्वेपेंस क्लासिफिकेशन को बढ़ने से पहले पहले तो डिस्कस देख लेते हैं दैट ओवरऑल इसमें क्या क्या सब पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। क्वेपेंस क्लासिफिकेशन के बारे में पहले देखेंगे दैट किस शख्सियत के द्वारा ये क्लासिफिकेशन रखा गया था और उन्होंने क्या क्या पैरामीटर्स लिया था इस क्लासिफिकेशन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेपेन भाई साहब ने छह प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ इस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को बांटा था। ए टाइप क्लाइमेट, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, एच टाइप। कोई कोई बुक में आपको सिर्फ पांच क्लासिफिकेशन भी मिलेंगे, सबसे पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक, तो उसके बारे में हर एक क्लासिफिकेशन को हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। दैट इज ए टाइप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ए ए टाइप में ए है क्या? ठीक है, तो इसको ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या इसके भी सब पार्ट्स है? जी हाँ, इसमें ए एफ टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ए एम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ए डब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो वो एफ क्या है? एफ जैसे वेट क्लाइमेट होता है, एम मॉनसून, डब्ल्यू मतलब वेट एंड ड्राई। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे कॉनोटेशन है जो क्या अलग, और उसके बारे में अलग अलग हम लोग डिस्क्राइबली भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी आ सकता है दैट बताओ भैया ए एफ क्लासिफिकेशन और ए एम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा दैट हाँ भैया बताओ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, नहीं, सीधा ए एफ पूछेगा, है ना। यू हैव टू नो इट बाय योरसेल्फ दैट हाँ भैया वो तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है ना। तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस आ सकता है, राइट। सो वही ए टाइप क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, बी टाइप क्लाइमेट, सी टाइप, इसके भी सब पार्ट्स है ऑफ कोर्स, डी टाइप, ई टाइप और एच टाइप। ठीक है, उसके बाद फर्दर जब ये सब सारे एक एक करके ऐसे करके क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद ओवरऑल इवेल्युएट करेंगे दैट ये कोपेन भाई साहब ने जो दिया था उसकी क्या क्या यू नो मेरिट्स हैं। ठीक है, और फाइनली क्रिटिसाइज भी करेंगे दैट किस किस एंगल में इनके थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया गया था, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोपेन्स क्लासिफिकेशन। व्लादिमीर कोपेन नाम था इनका, ये एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे जिन्होंने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के मंथली और एनुअल एवरेज के आधार पर ही अपना ये क्लासिफिकेशन रखा था। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट ये एक इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन था? एब्सोल्युटली, इस इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था। इन्होंने सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन को 1900 में रखा था, बाद में इस चीज को रिवाइज करके 1918 में फाइनल क्लासिफिकेशन रखा, जो क्या क्वांटिटेटिव इन नेचर बोला जाता है। नाउ क्वांटिटेटिव इन नेचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे बताइए, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्या था? वो सब कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग ज्योग्राफी को माप रहे थे, है ना। यहां पर भी देखिए, यहां पर अगर आप अगर नॉर्मल बोलिएगा दैट भैया ये एक रीजन है जहां पर इतना ज्यादा बारिश होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ऐसा ह्यूमिडिटी रहता है, ऐसा प्रेशर डिफरेंस रहता है, राइट, तो वो तो एक आप डिस्क्राइबली कर रहे हो। बट वहीं पर उसी चीज को जैसे एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर क्राइटेरिया, पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन क्राइटेरिया, पर्टिकुलर प्रेशर क्राइटेरिया, यही सब को मिलाकर अगर हमने एक इसको टर्म दे दिया दैट इज ए एफ या फिर ए डब्ल्यू या फिर ए एम, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी आ रहा है क्या? नहीं, तो इसीलिए ये क्वांटिटेटिव इन नेचर था ये थ्योरी, विच हैज द, क्योंकि इसको डेराइव किया गया था फ्रॉम द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वेरियस टेम्परेचर रीजन एंड प्रेसिपिटेशन इन ऑर्डर टू डेलिनेट द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक रीजन। इसी के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के क्राइटेरिया के आधार पर ही बाउंड्रीज को डेलिनेट किया गया था। नाउ ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो भी कोपेन्स क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, दैट इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट किसको कहते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, और भी बी टाइप सी टाइप में के अंडर भी सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, तो ऐसे जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ना, सेम चीज हम लोग बायोम जब इन्वायरमेंट ज्योग्राफी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बायोम एक आता है ना टॉपिक, तो उस बायोम में मैं सिंपली आपको बोल दूंगा दैट भैया देखो मैंने क्वेपेंस में सब कुछ पढ़ा दिया, आप क्वेपेंस में जाके वहां पे पढ़ लो, राइट, मैं फिर से दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, कुछ कुछ चीज है जो क्या इसमें एडिशन जरूर करवा दूंगा मैं, क्योंकि बायोम को भी लेकर मैं एक साथ ही कवर करवा दे रहा हूं, है ना, क्योंकि डबल एनर्जी वेस्ट करना इज नॉट एट ऑल जस्टिसेबल, राइट, एक ही चीज है तो दोबारा क्यों पढ़ाओ, ठीक है, तो मैं तब बोल दूंगा आपको दैट हाँ कहां से आपको पढ़ना है, राइट। तो एनीवेज ये क्वेपेंस क्लासिफिकेशन तो आपने समझ लिया, और इसी के आधार पर इन्होंने छह प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था। ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था किसके बेसिस पे? प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, नेचर ऑफ एरिडिटी कितना है, है ना, कोल्डनेस उस रीजन का कितना है, मतलब प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर को मेजर क्राइटेरिया रखकर इन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था इंटू छह प्रिंसिपल टाइप्स। और वो छह प्रिंसिपल टाइप्स क्या है? ए टाइप क्लाइमेट, बी टाइप क्लाइमेट, सी टाइप क्लाइमेट, डी टाइप क्लाइमेट, ई टाइप क्लाइमेट, एच टाइप क्लाइमेट।
ए टाइप क्लाइमेट मतलब इसको बोला जाता है ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, नेक्स्ट इज ये बी टाइप को ड्राई क्लाइमेट बोला जाता है, इस सी टाइप को क्लाइमेट को बोला जाता है ह्यूमिड मीजोथर्मल, या फिर इसको हम लोग मिड लैटिट्यूड वार्म क्लाइमेट भी कहते हैं। डी क्लाइमेट को बोला जाता है ह्यूमिड माइक्रोथर्मल, या फिर हम इसको कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट भी कहते हैं। ई टाइप क्लाइमेट को पोलर क्लाइमेट और एच टाइप क्लाइमेट को हाईलैंड्स क्लाइमेट हम लोग कहा जाता है। तो चलिए एक एक देख लेते हैं। जैसे ए क्लाइमेट, ए क्लाइमेट को जैसे कि मैंने बोला ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, देखिए मतलब ट्रॉपिकल रीजन में जो ह्यूमिड एरिया है ना, उस रीजन को ए टाइप ऑफ क्लाइमेट में हम लोग मान सकते हैं, है ना। और यहां पर क्या हम बोल सकते हैं, दैट विंटरलेस सीजन होता है। अब भैया ट्रॉपिकल रीजन है ना पूरा, है ना, और यहाँ पे ऑफ कोर्स वार्मनेस और मॉइस्ट कंडीशंस जो है थ्रू आउट द ईयर प्रिवेल करते हैं। बताइए तो सबसे अच्छा, मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसका मीन टेम्परेचर कितना है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको ऊपर ही इसका मीन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ये है ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, अभी तो जस्ट आपको जस्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, बी टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट मतलब ऑफ कोर्स वहां पे नमी नहीं है। नमी क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे इवापोरेशन जो है ना वहां के प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है, समझ रहे हो। और इसीलिए थ्रू आउट द ईयर उस टाइप के रीजन में हमें वाटर डेफिसिट देखने को मिलता है इन बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है ह्यूमिड मीजोथर्मल, जिसको हम लोग मिडिल लैटिट्यूड वार्म टेम्परेट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिडिल लैटिट्यूड और वार्म और टेम्परेट रीजन, ठीक है। मतलब इस ये ऐसा मिडिल लैटिट्यूड वाला रीजन है जहां पर वार्म टेम्परेट क्लाइमेट डोमिनेट करता है। विंटर्स रहता है, बट विंटर्स जो है ना वो माइल्ड रहता है। इनफैक्ट अगर कोल्डेस्ट मंथ देख लीजिएगा तो वो 8 से 18 डिग्री का एवरेज मंथ रहेगा, ठीक है। और वार्मेस्ट मंथ अगर देख लीजिएगा तो वो जो है ग्रेटर देन, माफ कीजिएगा यहाँ पे स्मॉलर देन आ गया, ग्रेटर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज डी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको हम लोग ह्यूमिड मीजोथर्मल या फिर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट भी कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे मिडिल लैटिट्यूड वार्म टेम्परेट है ना टेम्परेचर, और यहाँ पर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट मतलब ये ऐसे रीजन है ह्यूमिड माइक्रोथर्म डी क्लाइमेट जो है वो सीवियर विंटर वाला रीजन है, ठीक है, जहां पर कोल्डेस्ट मंथ जो है अराउंड 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वार्मेस्ट मंथ जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो जैसे टेम्परेचर, जैसे ए टाइप बी टाइप सी टाइप डी टाइप आते जा रहे हैं, वैसे टेम्परेचर कहीं ना कहीं घटता जा रहा है ना। नेक्स्ट इज ई टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको हम लोग पोलर क्लाइमेट भी कहते हैं। पोलर रीजन है तो वहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले ही जब सन का जो रोशनी आता है ना वो काफी ज्यादा स्लैंट गिरता है इस रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन में यूजुअली समरलेस सीजन ही होता है, समर होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है इन टाइप के रीजन में। और एवरेज अगर टेम्परेचर देख लीजिएगा तो वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ वो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, आप खुद सोचो, है ना। आप जहां पर रह रहे हो वहां पे वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर तो यार 30-40 डिग्री तक पहुंच जाता है ना, और यहाँ पर तो 10 डिग्री से भी कम है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना। नेक्स्ट इज एच टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको हम लोग हाईलैंड क्लाइमेट भी कहते हैं। हाईलैंड क्लाइमेट मतलब वो जो एल्टीट्यूडनल क्लाइमेट जिसका होता है ना, जहां पर स्नो कवर्स जो हमें मिलता है जैसे पहाड़ों में, ठीक है, तो उस क्लाइमेट को यहाँ पे कंसीडर किया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना दैट बहुत सारे बुक में आपको सिर्फ ई टाइप ऑफ क्लाइमेट तक ही मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, क्योंकि सविंदर सिंह में ये भी लिखा हुआ है, सो वी आर मेकिंग श्योर दैट ये भी इंक्लूड कर लेता हूँ, जिससे आपको कुछ छूट ना जाए, राइट। तो चलिए, कोएपेंस ने जो सिर्फ ए बी सी ये तो हम लोग कैपिटल लेटर्स में देखा ना, बट उन्होंने कुछ कुछ लोअर केस लेटर्स को भी कंसिडर किया था, जैसे एफ, जैसे एम, जैसे डब्ल्यू एस, है ना। तो ये सब क्या क्या है, एफ मतलब हुआ वेट क्लाइमेट, ध्यान दीजिएगा। वेट मतलब देखिए इसको भी क्लासिफाई कर रहा है इसके अंडर, ए बी सी डी इसके अंडर इसको क्लासिफाई करने के लिए ये स्मॉल टर्म्स इन्होंने यूज किया था। एफ मतलब वेट क्लाइमेट, जहां पर प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है और एवरेज कोल्डेस्ट मंथ भी अगर देख लीजिएगा वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। मिनिमम प्रेसिपिटेशन पर मंथ अगर के वाइज देख लीजिएगा तो वो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पर ऑफकोर्स मॉनसून क्लाइमेट प्रिवेल करता है। इस यहाँ पर ड्राई सीजन होता है ना वो शॉर्ट होता है और एवरेज प्रेसिपिटेशन अगर देख लीजिएगा वो भी ड्राइएस्ट मंथ का वो लेकिन 6 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डब्ल्यू, जिसको हम लोग विंटर ड्राई या फिर वेट एंड ड्राई क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स विंटर समय में जो ड्राई कंडीशन प्रिवेल करते हैं, दैट रीजन इज कमिंग अंडर दिस क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज एस, जिस यहाँ पर वेल डिफाइंड समर ड्राई सीजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो कोएपेन भाई साहब ने जो 5 मेजर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिवाइड किया था, ए बी सी डी ई, ठीक है, इसके अंडर पे इन्होंने 11 सब क्लाइमेट्स को डिफाइन किया था। जैसे ए के अंडर है ए एफ,
ठीक है, ए एम ए डब्ल्यू, ठीक है, वैसे ही बी के अंडर है, वैसे ही सी के अंडर है, डी के अंडर है, ई के अंडर है, ठीक है। और उसको किसके बेसिस पे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है। तो टेम्परेचर ही ना डिफाइन करता है कोई भी रीजन का कोल्डनेस, प्रेसिपिटेशन ही ना डिफाइन करता है दैट कहीं पर नेचर ऑफ एरिडिटी कितना है, ठीक है। कम प्रेसिपिटेशन हुआ तो वहां पे नेचर ऑफ मतलब वो एरिड रीजन हुआ, ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ तो वो एरिड रीजन नहीं है, खत्म बात, ठीक है। उसी के आधार पर इन्होंने सब 11 सब क्लाइमेटिक टाइप्स को डिफाइन किया था प्रॉपरली, और एक एक क्लाइमेटिक टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन बनेंगे ही, मेंस के क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे फॉर श्योर, राइट, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव में ही डिस्कशंस कैरी आउट हो रही है। सो 6 प्रिंसिपल टाइप्स है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के, चलो एक एक करके डिस्कस करें। चलो सबसे पहला है ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट बोले तो ये वो रीजन टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ये डोमिनेट करता है, ये क्लाइमेटिक रीजन जहां पर आप ट्रॉपिक्स के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली समझ जाओ दैट सन रेज का क्वांटिटी तो थ्रू आउट द ईयर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा ही, और यहाँ पे क्लाइमेट भी जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा हुआ है भैया ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। यही रीजन है जैसे 0 डिग्री से अगर आप 23.5 डिग्री एंड मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 20 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक अगर देख लोगे तो ये रीजन में सन रेज का डोमिनेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और आईटीसीजेड भी अगर रिवॉल्व भी करता है ना, सोचो सन अपने नॉर्थवर्ड माइग्रेट भी कर दिया तो आईटीसीजेड मैक्सिमम रिवॉल्व करेगा भी तो इस रीजन तक, है ना। साउथवर्ड अगर आ गया तो आईटीसीजेड आएगा भी तो मैक्सिमम इस लेवल तक, समझ रहे हो बात। तो आईटीसीजेड जो एग्जिस्ट करता है वो इस रीजन में ही, आईटीसीजेड बोले तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये वो जोन होता है जहां पर ट्रेड विंड जो आ है आकर कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें यहां पर एग्जिस्ट करती है तो क्या हम बोल सकते हैं दैट हाँ, ऊपर से आपको क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड रीजन भी है ना, तो ह्यूमिडिटी के कारण ऑफ कोर्स एनुअल रेनफॉल भी जो है वो भी ज्यादा होता होगा, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देख लीजिएगा वो लेकिन लो होता है। अब देखिए ये भी अलग अलग प्रोपोजिशन है, ये कुछ कुछ लोगों को कभी कभी समझ में भी नहीं आता है दैट यार एनुअल यहाँ पे तो मतलब रेनफॉल तो हाई है, टेम्परेचर तो हाई है, फिर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्यों लो है। देखो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब समझे, जैसे डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, तो वो आप बताओ डेजर्ट में आपको ज्यादा मिलेगा या फिर नॉर्मल आपको नॉर्मल लैंड में ज्यादा मिलेगा, ठीक है, जैसे दिल्ली, दिल्ली में ज्यादा मिलेगा या फिर सहारा डेजर्ट में ज्यादा मिलेगा, सहारा डेजर्ट में ज्यादा मिलेगा। पूछो क्यों, क्योंकि दिल्ली में अगर से फॉर एग्जाम्पल सुबह अगर गर्मी के मौसम है, ठीक है, तो सुबह को के टाइम में अगर टेम्परेचर है आपका जाके थर्ड थर्ड सॉरी 40 डिग्री, राइट, तो रात के समय में मैक्सिमम 35 डिग्री होगा, ठीक है। बट वहीं पर अगर कोई डेजर्ट में जाओ, थार डेजर्ट सहारा डेजर्ट चले जाओ, तो वहां पे अगर सुबह को 45 डिग्री है ना, रात को पता है ये घट के कितना आ जाता है, एकदम 10 से 15 डिग्री तक आ जाता है। तो सही करो ये डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है, तो इसको कहता है डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। वैसे ही एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी होता है दैट एनुअली एक पूरा साल में टेम्परेचर डिफरेंस ओवरऑल कितना ज्यादा है, ठीक है। तो यही टेम्परेचर डिफरेंस अगर सब ट्रॉपिकल रीजन में देख लोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन में जब सोचो आप नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ही ले लो, ठीक है, तो वहां पर अगर समर सोल्स्टिस के समय जो है सब ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली ज्यादा होगा, बट वहीं पर विंटर सोल्स्टिस के समय लेकिन वो बहुत घट जाएगा, ठीक है, मतलब वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है बहुत घट जाएगा, बट वहीं पर पोलर रीजन में जहां पर यहां बात कर रहा हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जहां पर सन का इंटेंसिटी रिस्पेक्टिवली ज्यादा होता है, तो यहां पर अगर समर सीजन भी ले लो तो वहां पर जितसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 40 डिग्री भी हो रहा है तो विंटर सीजन में भी मैक्सिमम 30 to 35 डिग्री ही होगा, ठीक है, ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो बोला जा रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको समझना है, ये जो है काफी ज्यादा रिस्पेक्टिवली लो होता है एज कंपेयर टू मिड लैटिट्यूडनल रीजन, क्लियर है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 3 टाइप्स, दैट इज ए एफ टाइप। ए मतलब क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एफ मतलब वेट क्लाइमेट, क्लियर है, याद आ रहा है। ए एम टाइप दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, मतलब ए मतलब ऑफ कोर्स ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट और एम मतलब मॉनसून, दोनों को मिला दिया ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ए डब्ल्यू मतलब अगेन डब्ल्यू मतलब वेट एंड ड्राई या फिर विंटर ड्राई, तो इसलिए ये भी बन गया ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। तो एक एक करके चलो अच्छे से चर्चा करता है, उसके पहले आपको सिर्फ ध्यान में रखना है दैट हाँ ए टाइप ऑफ क्लाइमेट किसको रिजेंबल करता है, एफ टाइप ऑफ एफ मतलब क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखना है। बट ओवरऑल आप तो अभी तक समझ गए होंगे दैट ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट का बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी कहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी कहते हैं। इसका लोकेशन अगर देख लीजिएगा तो 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर, जैसे ये अगर सोचो आपका इक्वेटर है, राइट,
ऐसा कुछ इक्वेटर है, राइट, इधर से पास होता है इक्वेटर। अब यहां से जो है ना, सॉरी इसको थोड़ा नीचे ही कर लेना ज्यादा सही रहेगा, अदरवाइज आप सोचोगे यार, है ना, क्योंकि यहां पे तो आपको ये समझाना ज्यादा आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो सोचो यहां से इक्वेटर कहीं ना कहीं पास करता है हमारा, ठीक है, ऐसे ही ना पास करता है जी, है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एनीवेज माफ करना। बट ये जो है ना, मतलब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट हमें 5 से 10 डिग्री से लेकर आपका अप टू 25 डिग्री तक में हमें बीच में यहां पर इसका मेजरली डोमिनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी, ठीक है। बट मेनली अगर देख लीजिएगा, ये अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, मेनली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहां पर अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, इधर अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट है क्या नहीं, तो वही चीज बोला गया। बट यहां पर सीजनल शिफ्टिंग होता है जब भी टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट के साथ साथ, तो उसके साथ साथ जो है ये भी जो है ये रीजन भी जो है इसमें भी हल्का फुल्का सीजनल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब इसके टेम्परेचर पैरामीटर देख लेते हैं, इसके प्रेसिपिटेशन और वेजिटेशन पैरामीटर देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा तो ये ऐसा रीजन है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर इंसुलेशन की मात्रा भी वो भी ज्यादा होगी। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं दैट एवरेज मंथली टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है? जी हाँ, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इनफैक्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा वो मिनिमम है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी अगर होगा वो भी मिनिमम है, ठीक है, वही ना हम लोगों ने दो देखा एनुअल, मैंने तो कॉन्सेप्ट ही आपको डिफाइन कर दिया दैट डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, दैट दिन में जो रेंज ऑफ टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, और ये एनुअल टर्म के बेसिस पे, ठीक है। तो दोनों जो है रिस्पेक्टिवली यहां पे कम है, बट ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम टेम्परेचर जो यहां पे डे टाइम में नोट किया जाता है जो क्या होता है अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो नाइट टाइम में नोटेड किया जाता है जो क्या है अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या यहां तक कोई शक है आपको? नहीं शक होना चाहिए, राइट। तो एनीवेज नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब कितनी रेट ऑफ बारिश यहां पर ज्यादा होती है। तो ऐसे देखिएगा ये, क्योंकि इस ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है, बारिश की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसा कोई ड्राई सीजन तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हाँ, कुछ एक एकमात्र सीजन एग्जिस्ट कर सकता है ड्राई का, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा, मतलब उसमें भी मॉइस्चरनेस रहता ही है, राइट। हेवी रेनफॉल रहता है हर एक साल में, ठीक है, मतलब हर एक मंथ में, माफ कीजिएगा, एट सम प्लेसेस ओनली डेली बेसिस। कुछ कुछ तो ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर डेली बेसिस पे आपको बारिश होती रहती है, और ये हर एक रीजन नहीं है, ऐसा नहीं है दैट हाँ भैया यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ तो ये हर एक रीजन में, नहीं, कुछ कुछ सेल्स बनाई हुई रहती हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जो है ना, ये कुछ रीजन है, सेल्स बनाई हुई है इसी रीजन में, ये भी एक कुछ सेल बनाई हुई है, यहाँ पे कुछ सेल बनाया हुआ है, और इस रीजन में अगर आप देख लीजिएगा डेली अमाउंट डेली रेट में बारिश होती है, और यहाँ पे क्या होता है ना, कन्वेक्शन रेट काफी ज्यादा होता है, कन्वेक्शन रेट के कारण क्या होता है यहाँ पर थंडर स्टॉर्म हमें देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे एज सच कोई सीजन तो नहीं होता क्योंकि हर समय बारिश होती है, तो ऑफ कोर्स जो भी वहां पे रहता है ना, तो लोगों को सेम ही सीजन दिखता है। बट हाँ, इसमें भी सीजनल डिस्टिंक्शन कैसे किया जाता है ना, दैट कभी भी कोई अगर ऐसा मंथ हो गया जहां पर थोड़ा ज्यादा रेनफॉल हो गया तो उसको हम लोग वेट मंथ कहते हैं, कभी अगर ऐसा मंथ रहा जहां पर रेनफॉल तो होगा बट कम रेनफॉल अगर हुआ तो उसको हम लोग लेस वेट मंथ कहते हैं। बस यही छोटा सा डिफरेंस है, और एज सच कोई बड़ा सा डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो बात। चलो अब आ जाते हैं इसके वेजिटेशन में, दैट वेजिटेशन अगर देख लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार बारिश सब समय होती रहती है, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल के कारण ही यहाँ के जो फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना वो कभी सूखती नहीं है, सोचो सूखेगी भी ना तो एक पत्ता सूख गई तो वो गिर गई बीच में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा यार इतना पत्ता है, सारा तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, एक पत्ता सूख गया वो तो पता नहीं चलेगा ना, तो वैसे धीरे 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 पत्ता गिरता रहता है जो कि लोगों को पता भी नहीं चलता, इसलिए ओवरऑल पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी रखता है, तो इसलिए इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही होता है हमारे अर्थ में जो क्या एक वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज जो कंटेन किया हुआ है। हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट देख लीजिए, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रॉड लीफ एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे महोगनी ले लो, रोज वुड, कोकोनट पाम, सैंडलवुड, बैम्बू, वाइल्ड रबर एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे ट्रीज है जो क्या हमें यहां पर मिलते हैं, एंड देयर नेचर इज ऑफ ब्रॉड लीफ, है ना, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट का टाइप सी है दैट वहां पर जो पत्ते होते हैं ना यूजुअली बहुत बड़े बड़े होते हैं। बट यहां पे हमें क्लियरली वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन भी दिखता है वेजिटेशन का, दैट इज अगर कोई एक पौधा ऐसा रहेगा जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई में है, दूसरा पौधा जो है रिस्पेक्टिवली एक
एक लेवल के ऊंचाई में होता है, ठीक है। तीसरा वाला पौधा जो है वो रिस्पेक्टिवली एक लेवल के ऊंचाई में, और चौथा जो टाइप्स होता है वो जमीन से सटा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसे वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन हमें कैनोपी फॉर्मेशन क्यों कैसे होते हुए दिखते हैं? क्योंकि देखो कुछ कुछ ऐसे पेड़ होते हैं ना जो, क्या यहाँ पे क्या है ना, दैट यहाँ पर बारिश की तो कमी नहीं है, बट कमी किसकी हो जाती है? सूरज की, ठीक है। तो पेड़ कॉम्पिटिशंस लगाते हैं आपस में, दैट कौन ऊपर में बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो एक लेवल तक ही तो पेड़ बढ़ सकता है ना जी। तो जो सबसे ऊपर में है तो वो अपर कैनोपी बनाता है, उसके नीचे वाला उससे लोअर कैनोपी, उससे नीचे वाला उससे लोअर कैनोपी, समझ रहे हो बात? तो ये बेसिकली हम लोग वेजिटेशन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब ये तो वैसे तो आपको मतलब अगर कोएपेंस के मॉडल में यहां खत्म हो गया, बट मैंने जैसे बोला दैट आपको बायोम वाला भी थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूंगा। बायोम में क्या आता है? फौना, फ्लोरा, ठीक है, ये सब भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक मिनट इसको मैं मिटा दे रहा हूं तो ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम फौना स्पेशीज देख ले, दैट इज वाइल्ड एनिमल स्पीशीज अगर देख ले, तो किस किस टाइप ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे? वैसे एनिमल्स जो क्या ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे जो यू नो पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते हैं या फिर ट्री में ही रहते हैं। बताइए तो कौन कौन हो सकता है वो? स्क्वेरल बोला जा सकता है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। ग्लेडियस होते हैं, मंकीज होते हैं, स्नेल्स होते हैं, ये सब सब कुछ जो है आपको फॉनल स्पीशीज में रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये सब जो है आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं जो क्योंकि बायोम वाले चैप्टर में, जिससे आपको टू इन वन हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज फ्लोरा एडेप्टेशन। फ्लोरा का एडेप्टेशन यहाँ पे कैसा होता है? जैसे देखिए फ्लोरा भी वैसे टाइप ऑफ पेड़ पौधे, देखो अब यहाँ पे क्या है ना, दैट एक पेड़ पौधे तो ऐसे कैटेगरीज ऑफ पेड़ पौधे जो कि काफी ज्यादा लंबे होते हैं, तो कुछ कुछ तो ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो क्या इस लंबे पेड़ पौधों पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब अपना खाना वो खुद ही बनाते हैं, बट सिर्फ इसके ऊपर चढ़ चढ़ के सिर्फ सनरेज को लेने के लिए ये रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे वैसे प्लांट्स जो क्या एज अ एपीफाइट्स, ठीक है, मतलब ये वैसे प्लांट्स होते हैं जो क्या दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं, है ना, बट अपना खुद अपना खाना जो है खुद ही बनाते हैं, मतलब दूसरे प्लांट से नहीं लेते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो ये एपीफाइटिक जो एडेप्टेशन है वो हमें इस रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ एएफ टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, हम लोगों ने कवर किया, क्लियर है। अब आ जाते हैं एएम टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट को अगर हम लोग चर्चा करें तो ऑफकोर्स एएम क्लाइमेट, मतलब ए स्टैंड फॉर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, एम स्टैंड फॉर मॉनसून क्लाइमेट, जो क्या कोएपेन जी के द्वारा क्लासिफाई किया था। अच्छा, मॉनसून क्लाइमेट का जब भी मैं बात कर रहा हूं तो आपको समझ आना चाहिए दैट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड तो यहां पे होता ही है, ठीक है। और ये भी ऐसा रीजन है जहां पे सनरेज की मात्रा जो है वो एम्पल होती है, और ये वैसे रीजन्स है ना, कुछ कुछ ऐसा समय टाइम पीरियड आता है जहां पर हेवी रेनफॉल होती है। दैट इज एएफ का अगर बात करें, पिछला वाला जो हम लोग बात किए थे, तो वहां पर जो रेन होता था ना वो हर एक महीने में होता था, ठीक है। बट यहां पर जो ट्रॉपिकल रेन मॉनसून क्लाइमेट है ना एएम, वहां पे जो रेन है वो सिर्फ हाईएस्ट समर डेज में ही होता है ज्यादातर। जैसे ये पिक्चर भी बनाया हुआ है यहां पर, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, एक्स एक्सिस में। और ये जो वर्टिकल एक्सिस में है ना, ये वाला ये देख लो, ये वाला प्रेसिपिटेशन ग्राफ है, ठीक है, और ये वाला टेम्परेचर ग्राफ है ना। आप प्रेसिपिटेशन को थोड़ा ऊपर भी ला सकते हो, ठीक है, ये है एएफ टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जहां पर प्रेसिपिटेशन हाँ थोड़ा आप ऊपर ला सकते हो, है ना, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं जस्ट बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर एएफ टाइप ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेटिक रीजन जहां पर एग्जिस्ट करता है, जैसे दैट इज ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जहां पर एग्जिस्ट करता है, अगर वहां पर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन है सालों साल, है ना, प्रेसिपिटेशन एक सालों साल पर्टिकुलर रेंज में मेंटेन है, बट हाँ कुछ कुछ स्पाइक थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे दिखा जा सकता है, वो कंसिडर नहीं कर रहा हूं। बट ए एम टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये कैसे डिफरेंस हो गया, दैट ए एम टाइप ऑफ क्लाइमेट में अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे करके देख लीजिएगा ना, तो ए एम टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें क्लियरली देखने को मिलेगा दैट हाँ प्रेसिपिटेशन आपका कुछ महीना मैक्सिमम महीना तो कम है, बट कुछ महीना ऐसा भी है जहां पर बहुत ज्यादा स्पाइक हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है, और वो कब होता है? हाई समर डेज में, ठीक है। एंड इसका लोकेशन अगर देख लीजिएगा कहां कहां तक ये मॉनसून क्लाइमेट का प्रिडोमिनेंट लोकेशन है, वैसे तो हम लोग इंडिया में हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, बट हाँ इंडिया के साथ साथ डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी हमें मॉनसून क्लाइमेट्स का प्रिडोमिनेंस देखने को मिलेगा। ज्यादातर ये लैटिट्यूडनल एरिना में बेसिकली दोनों हेमिस्फेयर, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में हमें देखने को मिलेगा।
और यहां पर ध्यान दीजिएगा सीजनली ये रिवर्स भी करती है, एक सीजन में बहेंगी दूसरे सीजन में ये यू नो ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करती है, ठीक है। तो इसका वही चीज है, सीजनल रिवर्सल देखने को हमें मिलता है, बट क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंटली इंडिया में ही देखने को मिलता है, तो इसको कभी भी अगर क्लाइमेटोलॉजिस्ट या फिर कोई भी दुनिया में अगर पढ़ाया जाता है ना, तो ये इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मद्देनजर रखते हुए ही पढ़ाया जाता है। इसमें भी हम लोग वेरियस क्राइटेरिया देख लेंगे, टेम्परेचर कैसा है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, वेजिटेशन कहता है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला देख लेते हैं टेम्परेचर। तो एनुअल मीन एनुअल टेम्परेचर जो देख यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हाई ही होगा क्योंकि ये भी जो लाई कर रहा है ये भी आपका ट्रॉपिकल रीजन में ही ऑलमोस्ट लाई कर रहा है, ठीक है। समर और विंटर जो है ये शार्पली डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्योंकि समर में जो है सन जो है, जैसे अगर नदर हेमिस्फेयर का बात करें तो समर में सन ऑफकोर्स नदर हेमिस्फेयर में रहेगा, बट वहीं पर विंटर में जो सन है वो सदर्न हेमिस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। मतलब अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, मतलब सन का एज सच मूवमेंट नहीं है, सन तो वही एक ही जगह स्थिर है, बट हम लोग को प्रतीत होता है दैट सन वैसा मूव कर रहा है, राइट। तो इसलिए अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, सब समय ये याद रखना, कभी भी अगर ऑप्शन का आंसर लिख रहे हो अपेरेंट अगर नहीं लिखोगे तो उसमें हम नंबर कट जाएंगे, क्योंकि यार ये तो काफी ज्यादा नॉलेजेबल चीज है, एनीवेज कॉमन सेंस है। तो समर और विंटर वेरी मच शार्पली डिफरेंशिएट किया जाता है यहाँ पे, और तीन मेजर सीजन हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है इसके कारण, दैट इज ड्राई वार्म समर सीजन, ह्यूमिड वार्म समर सीजन और ड्राई विंटर सीजन। ड्राई वार्म समर जो है दोस्तों ये आपका जाके मार्च से जून के बीच में देखने को मिलेगा, ह्यूमिड वार्म समर जो है ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगा, ड्राई विंटर जो है ये नवंबर से फरवरी के बीच में देखने को मिलेगा। नाउ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ह्यूमिड वार्म, मतलब ये देखो वार्म तो सब जगह ही मिलेगा, वार्म यहाँ पर भी मिल रहा है, वार्म यहाँ पर भी मिल रहा है, बट एक वार्म जो है ये ड्राई वार्म है, एक वार्म जो है ये ह्यूमिड वार्म है। मतलब इस वार्म कंडीशन में जो है दैट इज मार्च से जून के बीच वाला जो टाइम पीरियड रहता है ना, वहां पे गर्मी तो आ जाती है, जैसे आप ले लो इंडिया में गर्मी तो आ जाती है बट बारिश तो नहीं होती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ड्राई वार्म कहा गया है समर, ठीक है। अच्छा बारिश क्यों नहीं होती है, वो हम लोगों ने जब जेट स्ट्रीम पढ़ा था, वो हम लोगों ने पढ़ा था दैट सदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो जब यू नो इंडिया के ऊपर से रहता है तब वो यू नो मानसून को यू नो बहने नहीं देता है, राइट। तो इसीलिए वहां पर ड्राई वार्म समर होती है, ये हम लोगों ने जेट स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। अब आ जाता है ह्यूमिड वार्म समर, दैट इज जुलाई से अक्टूबर के बीच में, जब ये जो सदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो आपका तिब्बत के ऊपर चला जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो उसको कवर कर लेता है, राइट। तो उसी के कारण ये कंड्यूसिव होता है ह्यूमिड वार्म समर को, ठीक है। मतलब ह्यूमिड वार्म समर में दैट इज ये ऐसा समर सीजन रहेगा जहां पे ह्यूमिडिटी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, दैट इज वहां पे प्रेसिपिटेशन की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अच्छा यहीं पर अगर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ले लो या फिर डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ले लो तो वो एज सच यू नो डिपेंड करती है वो आप कोस्टल रीजन में मेजर कर रहे हो या फिर इनलैंड रीजन में मेजर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये सोचो हमारा पेनिनसुला, ठीक है, ये इस कोस्टल रीजन में अगर आप मेजर कर रहे हो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर या फिर डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ही ले लो, तो यहाँ पे हमें पता है दैट कोस्टल रीजन रिस्पेक्टिवली मॉडरेट रहता है ना, बट वहीं पर इनलैंड में अगर देखोगे तो ये रीजन मॉडरेट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इनफैक्ट जो ये डायरनल रेंज या फिर यू नो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देख लो ये काफी ज्यादा हाई रहेगा, बट यहाँ पर जो है रिस्पेक्टिवली लो रहेगा, रिस्पेक्टिवली इसके कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की जहां तक बात करें हम लोग तो प्रेसिपिटेशन में देखो एवरेज अगर एनुअल रेनफॉल देख लो तो इस रीजन में मॉनसूनल क्लाइमेटिक रीजन में वो 1500 mm का हमें एवरेज एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है, बट यहीं पर टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है रेनफॉल का और वो जो है वेरिएबल होता है, जो क्या फर्दर इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है भाई विंड डायरेक्शन या फिर कोई भी रीजन का टोपोग्राफी है ना। जैसे आप ले लो चेरापूंजी है ना, वहां पे इतने बारिश क्यों होती है इतना ज्यादा है ना, वहां पे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्यों? क्योंकि वो रीजन कंड्यूसिव, वहां की टोपोग्राफी ही ऐसे बनी हुई है जहां पे फनलिंग इफेक्ट के कारण बारिश होती है ना। तो वो ये सब सारी चीजें फैक्टर करती है। विंड डायरेक्शन देख लो, जैसे हम लोगों ने बोला कोस्टल रीजन में है ना, वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं होती है, काफी ज्यादा मॉडरेट आपको क्लाइमेट मिलेगा। क्यों मिलेगा पता है वहां पर? क्योंकि वहां पर जो सी ब्रीज बहते रहती है, समझ रहे हो? तो विंड डायरेक्शन भी एक फैक्टर हो गया ना, ये सब कुछ फैक्टर देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। अगर इस रीजन में देख लोगे तो देखो वैसे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज आपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट हाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट के कंपैरिजन में लेकिन कम है, ठीक है, वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड वाले से कम है लेकिन, है ना।
ट्रॉपिकल मानसून में, क्योंकि ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक रीजन में हमें डेसिड्यूस फॉरेस्ट ट्रीज ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो क्या वेट और ड्राई क्लाइमेट से अडेप्ट अपने आप को कर लेते हैं। दैट इज जब वेट कंडीशन रहेगा तब तो ये यू नो ट्रीज जो है अच्छे से फूलेंगे फलेंगे, बट जैसे ड्राई कंडीशन प्रिवेल करने लगता है ना तब इसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं, समझ रहे हो बात। और जैसे हम लोगों ने वो ट्रॉपिकल रीजन में डिस्कस किया था, ट्रॉपिकल ह्यूमिड में, तो वहां पर पत्ते यूजुअली झड़ते भी है तो एक एक करके झड़ेंगे और पता नहीं चलेगा, ओवरऑल सारा पेड़ पौधे जो ग्रीन ग्रीन ही दिखेगा, बट यहाँ पे क्लियर पता चलता है वो चीज, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए यहाँ पे वैसे ही स्पीशीज रहते हैं जो क्या इस सिचुएशन को, इस क्लाइमेटिक कंडीशन को, इस टेम्परेचर, इस प्रेसिपिटेशन कंडीशन को अपने आप को सोक कर सकते हैं। और वो कैसे कैसे स्पीशीज है, जैसे साल ले लो, टीक, बैम्बू, मैंगो ट्री, महुआ ट्री, जामुन ट्री, उसके बाद नीम, शीशम, ये सारे ट्रीज जो है आप इस कैटेगराइजेशन के अंडर ला सकते हो, क्लियर है। अब आ जाते हैं ए डब्ल्यू क्लाइमेट, दैट इज ट्रॉपिकल, ए स्टैंड फॉर ट्रॉपिकल रीजन और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट एंड ड्राई, राइट। तो ऑफकोर्स ये है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, तो चलो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको देखो हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे जैसे सवाना क्लाइमेट, जहां पर लार्ज बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं ना, लानोस, कैंपोस, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब इस ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में ही आता है, क्योंकि देखो ये भी तो ट्रॉपिकल रीजन में ही लाता है, ठीक है। और इसको हम लोग सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से भी ये जाना जाता है। चलो इसके भी लोकेशन देख लेते हैं, टेम्परेचर देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन कंडीशन देख लेते हैं, वेजिटेशन, फौना, फ्लोरा, ये सब सब कुछ देख लेते हैं। तो देखो लोकेशन की अगर बात करें तो ये 5 डिग्री से 20 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में, देखो यहां से 5 डिग्री से 20 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में, नदन एज वेल एज सदर्न हेमिस्फेयर में इसका डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें इस मैप में क्लियरली देखने को मिल भी रहा है। और ये इक्वेटोरियल और सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, दैट इज ये वाला इक्वेटोरियल क्लाइमेट हुआ ना जी, है ना, और ये सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के बीचों बीच लाई कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर रेंज अगर इस रीजन का देख ले तो ऑफकोर्स थ्रू आउट द ईयर जो है ये रिस्पेक्टिवली ज्यादा होता है इन इक्वेटोरियल रीजन, बट हाँ मिनिमम टेम्परेचर जो है इसका मार्क किया गया है एज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा तो वो भी रिस्पेक्टिवली कम ही होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वार्मनेस कंडीशन ही ज्यादा प्रिवेल करती है, और वो है 3 डिग्री टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा ये लेकिन इससे इक्वेटोरियल क्लाइमेट से ज्यादा है लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे 3 सीजन हमें देखने को मिलता है, वेट का 1 सीजन और ड्राई का 2 सीजन। वेट का 1 सीजन कब हमें देखने को मिलता है, समर के समय में, जब जब रेन जो होती है ना तो 80 से 90% ऑफ रेन जो है इस वेट समर के सीजन में ही हो जाती है, बट वो भी जो पीरियड है ना वो काफी ज्यादा शॉर्टर होता है, ज्यादा दिन तक नहीं होता है, बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बारिश होती है, है ना। दूसरा है ड्राई कंडीशंस, ड्राई कंडीशंस जो है ड्राई सीजंस के अंडर 2 सीजंस आते हैं, दैट इज एक है कोल्ड ड्राई, एक है वार्म ड्राई, और ये रिस्पेक्टिवली ज्यादा लॉन्गर भी होते हैं। ऑफ कोर्स ये अगर शॉर्टर हुआ तो रिस्पेक्टिवली ये तो लॉन्गर हो ही गए, है ना। प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो एवरेज एनुअल रेनफॉल बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एएफ क्लाइमेट और एएम क्लाइमेट, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, और यहाँ पर हमें अराउंड 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक ही हमें देखने को मिलता है। वहीं पर इक्वेटोरियल वर्ल्ड मार्जिन में अगर देख लीजिएगा, दैट इज सोचो ये वाला क्लाइमेट है ना, ये वाला, इस वाला, ये वाला मार्जिन क्या हुआ, इक्वेटर की तरफ ये मार्जिन है ना इस क्लाइमेट कंडीशन का, तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली थोड़ा ज्यादा बारिश होता है। और पोल वर्ल्ड मार्जिन मतलब ये वाला पोल वर्ल्ड, ये पोल की तरफ हुआ है ना, तो इसलिए इस वाले मार्जिन को हम लोग पोल वर्ल्ड मार्जिन कहते हैं, तो यहाँ पर जो है थोड़ा लेस रेन हमें देखने को मिलता है। वेजिटेशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे डेसिड्यूस फॉरेस्ट, वास्ट ग्रासलैंड एंड श्रब्स में हमें ये कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, जिसमें डेसिड्यूस फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट होते हैं जहां पे कैनोपी लेयर्स का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है, मतलब दैट इज बहुत लंबे लंबे फॉरेस्ट भी होते हैं और ये एक बहुत बड़ा कैनोपी का फॉर्मेशन दिखाता है इसी रीजन में, ठीक है, दैट इज सवाना रीजन में, ठीक है। मतलब देखो अलग अलग फैक्टर्स है ये, मतलब अलग अलग ट्री स्पीशीज है जो कि हमें एक ही रीजन में देखने को मिलते हैं, जिसमें डेसिड्यूस फॉरेस्ट का एक टाइप देखने को मिलेगा ज्यादातर, जिसको हम लोग कहते हैं बायोबाब ट्री। ये ऐसे ट्रीज होती है ना जिनकी टहनियां बहुत मोटी मोटी होती है और इनके पत्ते जो है सिर्फ इतने ही होते हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है ट्री का, ऐसा कुछ होता है, बट इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर टहनी बहुत मोटी मोटी टहनियां हैं, समझ लो बात। और ये भी एक्चुअली एडाप्टेशन के कारण ही ऐसा होता है, है ना। एडाप्टेशन क्या है, यहाँ पर जो है कम बारिश होती है, कम पानी है, तो कम पानी में ये जब भी थोड़ा भी पानी गिरता है ना तो वो सारा पानी को ये अपने टहनियों में एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ लो, जिससे क्या पूरा साल को चलाया जा सके ये, ठीक है। अच्छा दूसरा जो है क्राइटेरिया, यहाँ पर वास्ट ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड लेयर में, ठीक है। और ये ग्रास किस टाइप के ग्रासेस देखने को मिलेंगे, एलिफेंट ग्रास, ये वैसे ग्रास होते हैं जो कि 500 सेंटीमीटर तक का हाइट होता है, बहुत लंबे लंबे ग्रासेस होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज श्रब्स, आपको देखने को मिलेंगे मिडिल लेयर में, जो क्या स्टंटेड वुड प्लांट होता है, जो क्या छोटे छोटे होते हैं यूजुअली, ठीक है। बट ये जो बड़े बड़े जो ट्रीज है ना दोस्तों, ये भी बहुत दूर दूर में होते हैं सिचुएटेड, है ना। मतलब ये ऐसे सामने सामने नहीं होंगे ये बाओब ट्रीज, नहीं, दूर दूर में। बताइए तो क्यों, कॉमन सेंस लगाइए तो। क्योंकि जैसे कि मैंने क्या बोला, दैट ये यूजुअली बहुत कम यहाँ पे बारिश होती है, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा जितना भी बारिश होता है ना वो सोख लेती है। अब आप खुद सोचो, दैट सोचो अगर यहाँ पे एक पेड़ हुई और दूसरा पेड़ जो एकदम सटा हुआ इससे सामने हुआ, यही भी बाओब ट्री ही है, ठीक है। तो क्या होगा, दैट ये इतना जो कम जो पानी का रिसोर्स है उसके लिए ये दोनों ट्रीज लड़ेंगे आपस में, तो दोनों ट्रीज में कोई सी एक ट्री ना सर्वाइव कर पाएगा जी, है ना, कॉम्पिटिशन याद करो, ठीक है। तो वही चीज है, आप भी जो कॉम्पीट कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर्स को, ऑफकोर्स कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ के ही ना आप रैंक वन ले आओगे, है ना, वही चीज है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग का एडेप्टेशन ही ऐसा बना हुआ है दैट हाँ, एक ट्री अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो दूसरा ट्री जो है एक बहुत बड़ा डिस्टेंस को छोड़ के दूसरा रीजन में फॉर्म होगा, ठीक है, जिससे यू नो मॉइस्चर को रिटेन करने में आसानी होती है। ये ऐसा रीजन है जहां पर फ्रीक्वेंट नेचुरल फायर, साथ ही साथ एंथ्रोपोजेनिक रीजन के कारण भी हमें फायर्स देखने को मिलता है। इस रीजन को हम लोग बिग गेम बायोम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले जो क्या होता था ना, दैट महाराजा राजा लोग जो थे वो इन टाइप के रीजन्स में जाकर, या फिर यू नो होता है ना योर मेजेस्टी, जो क्या विदेशों में बोला जाता है, ठीक है, लॉर्ड ये वो फलाना ढिकना, वो लोग इस टाइप के रीजन में जाके काफी ज्यादा शिकार करते थे, समझ रहे हो बात, और वो उस देश को पैसे भी देते थे ऑफकोर्स, है ना। तो उसी लिए इस रीजन को हम लोग बिग गेम बायोम भी कहा जाता है, जहां पे वेरियस काइंड ऑफ फौना स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हर्बीवोर फौनल स्पीशीज में आपको जेब्रा, एलिफेंट, जिराफ और भी ऐसे बहुत सारे स्पीशीज मिलेंगे। वैसे ही कार्निवोर्स में आपको लायन, चीता, हाइना जैसे स्पीशीज भी मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसके इकोसिस्टम लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया वुडलैंड से, जो वुडलैंड भी होती है जैसे बाओब ट्रीज, ठीक है, वो क्या है, वुडन ट्रीज ही है, उसके साथ साथ ग्रासेस भी डोमिनेट करती है। तो जहां पर वुडन ट्रीज डोमिनेट करती हैं और ग्रासेस डोमिनेट करती है, वहां पर हमें काफी ज्यादा जो ट्री का स्पेसिंग है वो काफी ज्यादा दूर दूर देखने को मिलता है, ठीक है। और हाँ, ये जो एक चीज मैंने भूल गया, दैट ये जो बाओब ट्रीज है ना, जो क्या काफी ज्यादा मोटी मोटी टहनियों की होती हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर जो स्टोरेज होता है, दीज ट्रीज आर वेरी मच रेजिस्टेंट टू द फायर, ठीक है, दैट इज यहाँ पे जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा ये ट्री में, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑफकोर्स कभी भी यू नो नॉर्मल पूछा भी जा सकता है कभी प्रीलिम्स पे, ठीक है, सो मेक श्योर यू रिमेम्बर इट, राइट। तो इसी के साथ ए एफ क्लाइमेट दैट इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ए एम क्लाइमेट दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, एंड ए डब्ल्यू क्लाइमेट दैट इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये तीनों हम लोगों ने अभी कवर किया, ठीक है। अब आ जाते हैं बी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब मैं वो रीजन का बात कर रहा हूं जो कि 25 डिग्री से 60 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज सदर्न हेमिस्फेयर में हमें डोमिनेट होता हुआ दिखता है। ये उस रीजन का बात कर रहा हूं मैं जहां पर ड्राई क्लाइमेट, मतलब क्या समझ रहे हैं, दैट रेनफॉल जो है रिस्पेक्टिवली लो है, क्लियर है। अच्छा, रेनफॉल लो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन का जो रेट है ना वो प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है, मतलब जितनी बारिश हो रही है उससे ज्यादा तो इवापोरेशन होकर हवा में उड़ी जा रहा है सारा बारिश, ठीक है, इसीलिए ना यहाँ पे ड्राई कंडीशंस प्रिवेल कर रही है। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या था वहां पे इवापोरेशन से ज्यादा लेकिन प्रेसिपिटेशन होता था, है ना, बट यहां पर इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है प्रेसिपिटेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए इस रीजन में, दैट इज 25 डिग्री से 60 डिग्री के बीच वाला जो लैटिट्यूडनल रीजन है, इस रीजन में हमें ड्राई क्लाइमेट प्रिवेल होता हुआ, डोमिनेटली प्रिवेल होता हुआ दिखता है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया दोस्तों एरिड रीजन में और सेमी एरिड रीजन में, ठीक है। देखो एरिडिटी भी दो टाइप की होती है ना, एक फुल एरिड जिसको सेमी एरिड, जिसको हम लोग डेजर्ट क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोशन अब से देंगे डब्ल्यू के द्वारा, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले में आप शायद कंफ्यूज कर सकते हो, राइट, ए ए एफ वाले में जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना। तो एनीवेज यहां पे हम लोग इसके द्वारा इसको डिनोशन देंगे, एंड इट इज कंप्लीटली ड्राई, ठीक है, और इसलिए इसको डेजर्ट क्लाइमेट में ये डोमिनेट करता है। वैसे ही नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट जो डिवीजन किया हुआ उसका सेमी एरिड क्लाइमेट, जिसको स्टेपिक क्लाइमेट भी बोलते हैं, और ये रीजन जो होता है ये पार्शली ड्राई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल की कंडीशन जो है वह काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। The regions which fall under these two type of regions are, एक तो है 25 से 40 डिग्री रीजन में, जो आप देख लीजिएगा 25 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड अगर देख लीजिएगा तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन है, जो और वो लो लैटिट्यूडनल रीजन है, ठीक है।
और यहां पर जो है ना मीन एनुअल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लियर है. नेक्स्ट इज 30 to 60 डिग्री, दैट इज 30 to 60 डिग्री, दैट इज एक था 20 से 25, एक साथ 30 से 40 डिग्री, ठीक है. ये मिड लैटिट्यूडनल रीजन कहते हैं हम इसको, ठीक है. के द्वारा डिनोट किया जाता है. के क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर वाइज लीजिएगा तो यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर जो है यहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, क्लियर है यहाँ पर आपको. तो रेनफॉल के क्राइटेरिया के आधार पर भी हम लोगों ने डिविजन कर लिया डब्ल्यू एस, और मीन एनुअल टेम्परेचर के आधार पर भी हम लोगों ने क्राइटेरिया को डिवाइन कर लिया बाई एच एन के, क्लियर है. और इसी से आपको प्रतीत हो जाना चाहिए दैट हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था दैट कोएपेन ने जो अपना क्लाइमेटिक डिविजन किया था वो रेनफॉल और टेम्परेचर के आधार पर ही किया था. वो दिख भी रहा है आपको, है ना, कोई शक यहाँ पर. तो ओवरऑल इन्होंने भी डिफाइन किया था अपने ड्राई क्लाइमेट को इंटू वेरियस टाइप्स, बेसिकली टाइप्स इन द सेंस दैट इन्होंने इसको यू नो डिविजन किया था इंटू चार ग्रुप्स, दैट इज सब ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, मिड लैटिट्यूड स्टेपे क्लाइमेट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट. तो ये चार क्लाइमेट के आधार पर इन्होंने इसका डिविजन किया था. सब ट्रॉपिकल स्टेपे को बोला गया बी एस एच, ठीक है. नेक्स्ट इज सब ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट को क्या बोला गया, बी डब्ल्यू एच. नेक्स्ट इज मिड लैटिट्यूडनल स्टेपे क्लाइमेट को बी एस के एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट को बी डब्ल्यू के, जहां पर आपका अलग अलग टर्म्स जो है अलग अलग डिनोट करता है. बी स्टैंड फॉर क्या बोले थे आप, ड्राई क्लाइमेट, है ना. एस स्टैंड फॉर स्टेपे क्लाइमेट, एच स्टैंड फॉर वो वाला रीजन जहां पे मीन एनुअल टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, क्लियर है. अगेन बी जो है यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट, डब्ल्यू मतलब बताइए क्या बोला था मैंने, डेजर्ट क्लाइमेट, है ना. और एच अगेन वो वाला रीजन जहां पर मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है. मतलब ये दो रीजन में जो है टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, है ना. और पहले वाले कंडीशन में जो है यहाँ पे आपका स्टेपे क्लाइमेट प्रिवेल कर रहा है, ठीक है, एस फॉर स्टेपे, है ना, और डब्ल्यू फॉर डेजर्ट, ठीक है. सिमिलरली यहां पर भी डब्ल्यू फॉर डेजर्ट, है ना, और एस फॉर स्टेपे, ठीक है. बट यहां पे के मतलब है टेम्परेचर इज लेस देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. तो ये आपको प्रॉपर डिवीजन पता होना चाहिए, क्लियर है. अच्छा अब बीएसएच में आ जाते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहले सब ट्रॉपिकल स्टेपे, दैट इज बीएसएच, सब ट्रॉपिकल स्टेपे, स्टेपे, है ना. स्टेपे मतलब वो वाला रीजन जो क्या सेमी एरिड रीजन रहता है या फिर सेमी ड्राई, जो कि ऑफकोर्स रेनफॉल तो होता है बट यहां पर रेस्पेक्टिवली काफी ज्यादा कम रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, राइट. तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज 25 से लेकर आपका 40 डिग्री के बीच का ट्रांजिशन जोन हब बनाता है बिटवीन ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. यह ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यह है ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट, उसके बीच वाला जो ट्रांजिशन जोन है ना दोस्तों, वही चीज बनाया जाता है सब ट्रॉपिकल स्टेपे के द्वारा, क्लियर है. इसका अगर लोकेशन देख लीजिएगा तो अराउंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हमें देखने को मिलेगा. जी हाँ, ऑफकोर्स हम लोगों ने वही चीज डिस्कस किया ना, दैट ये ड्राई टेम्परे सॉरी ये जो ट्रांजिशन जोन बनाता है, ठीक है. तो एक रीजन में जो है इसका वो ड्राई डेजर्ट ड्राई प्लेस है, आई मीन ये जो इसका लोकेशन है वो अराउंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में है, ठीक है. रीजंस क्या है, क्योंकि देखो डेजर्ट जो है ये ड्राई प्लेस में रहता है, ठीक है, और स्टेपी जो है ये सेमी ड्राई, ठीक है. तो ड्राई और सेमी ड्राई ये इसका जंक्शन अगर बनेगा तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा बारिश तो वहां पे होगा ही, और वेजिटेशंस भी होती है, तो ऐसी वेजिटेशंस होती है जो क्या उस थोड़े मोड़े बारिश से ही अपना पेट जो है संभाल ले, ठीक है. और वो ऐसे वेजिटेशंस होती है जो क्या वाटर कम कंज्यूम करती है ना. और ये यूजुअली श्रब्स यहाँ पे डोमिनेटेड होते हैं, ग्रासेस डोमिनेटेड होते हैं, और ट्रीज भी होंगे तो स्कैटर ट्रीज ही हमें देखने को मिलेंगे. सेम सिमिलर यहाँ पे हर्बीवोर्स जो है वहाँ पे जिराफ, जेब्रा, डियर जैसे स्पीशीज मिलेंगे. वैसे कार्निवोर्स में आपको जैकल्स, हाइनास एंड लायंस जैसे स्पीशीज आपको यहाँ पे प्रीडोमिनेटली देखने को मिलेंगे. तो इसी के साथ बीएसएच दैट इज सब ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट हम लोगों ने देखा. अब आ जाता है बीडब्ल्यूएच दैट इज सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है, ध्यान रखना. तो इसका लोकेशन जो है आपका 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड, कभी कभी 35 डिग्री लैटिट्यूड चला जाता है दोनों हेमिस्फेयर में, है ना. नदर हेमिस्फेयर में इसको डोमिनेटेड हम देखने को मिलता है. इनफैक्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में हमें इसका ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिलता है, इसीलिए डेजर्ट है. और हमें पता भी है क्यों डोमिनेट देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर ये ऐसा मतलब एरिडिटी रीजन डोमिनेट करती है, क्योंकि यहां पे एयर मास जो है ये सबसाइड करती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस प्रिवेल होता है, राइट. इसीलिए यहां पे आपका जाके डेजर्ट पार्ट दिखता है ना.
ये ट्रांजिशन जोन होता है ऑफ ह्यूमिड एंड ड्राई रीजन. नीचे वाला रीजन ड्राई है, ये ऊपर वाला रीजन रिस्पेक्टिवली ह्यूमिड है. ठीक है, एनुअल एरिडिटी अगर देख लीजिएगा तो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने रीजन बता ही दिया. एयर मास सबसाइड करती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस प्रिवेल करती है, राइट. तो इसीलिए हमें एरिडिटी भी देखने को मिलती है ऑन एन एनुअल रेंज. एनुअल एरिडिटी की रीजन यहां पर क्लियरली बताई गई है टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन जो है इस रीजन्स में आ नहीं सकता. ठीक है, देखो टेम्परेट साइक्लोन का हम लोग क्या देखा क्या था, दैट वो जो है यूजुअली टेम्परेट रीजन में ही डोमिनेटेड होती है, और ये रीजन तो टेम्परेट रीजन में लाई ही नहीं कर रहा है भाई, है ना. तो वो इस रीजन में आता ही नहीं है, एक तो ये रीजन हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज ITCZ, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ना, वो इन एरियाज को इन्फ्लुएंस नहीं करता. क्यों? क्योंकि देखो इनका जो लोकेशन है इक्वेटर से वो थोड़ा दूर है ना, इसीलिए इस रीजन को उतना प्रिडोमिनेटली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है ना. इसीलिए यहां पर आपका जाके ऐसे कंडीशंस ही प्रिवेल करती है जहां पर ज्यादा बारिश ना हो. ट्रेड विंड भी अगर देख लीजिएगा तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में जहां पर ये ज्यादा प्रिडोमिनेंटली लाई करती है वहां तक ट्रेड विंड पहुंचते 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 ड्राई हो जाता है. ठीक है, तो ये कहां पर बारिश देगा भाई, ये तो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में ही अपना सारा मॉइस्चर को गिरा देता है ट्रेड विंड के कारण. ठीक है, तो इसलिए वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वो रिस्पेक्टिवली ड्राई रहता है, इसलिए वहां पर हमें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का प्रिडोमिनेंटली हमें देखने को मिलता है. यहाँ पे यही नहीं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन भी हमें देखने को मिलते हैं. एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के कारण वहां पे विंड जो है वो डिसेंड करती है, जिसके कारण अब विंड अगर डिसेंड करेगी तो वो तो वार्म होगी एडियाबेटिकली, इसलिए मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिस्पेक्टिवली डिक्रीज हो जाता है, जैसे ये पैकेट ऑफ एयर जो है नीचे आकर एडियाबेटिकली वार्म हो जाता है ना. यही नहीं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है. एक्चुअली क्या होता है दैट यहां पर जो सरफेस विंड्स है ना वो डाइवर्ज होते हुए दिखती है. दैट इज सोचो ये वाला रीजन हुआ, ठीक है, तो यहां पे अगर सरफेस ऊपर से सब ट्रॉपिकल कंडीशंस के कारण सरफेस विंड्स भी होते हुए आ रही है तो यहां पे ये इसका हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, समझ रहे बात. तो इसलिए यहां पे काम कंडीशंस प्रिवेल करती है और यहाँ पे आपका जगह स्टेबल कंडीशंस भी प्रिवेल करती है, और स्टेबल कंडीशंस में तो हम लोगों ने पढ़ा है दैट रेनफॉल तो होता ही नहीं, वो तो अनस्टेबल कंडीशंस में होगी ना. अनस्टेबल कंडीशंस कब होती है, जब ये जो पैकेट ऑफ एयर जो है ये ऊपर अपलिफ्ट कर देगा थ्रू कन्वेक्शन मैकेनिज्म, बट यहां पर तो सीधा उल्टा चीज हो रहा है. ठीक है, और ग्राउंड टेम्परेचर भी रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना रेन ड्रॉप्स जो भी गिर भी रही है वो भी इवापोरेट हो जाती है बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड सरफेस भी रिस्पेक्टिवली हाई हो रहा है, इसीलिए भी ये भी एक फैक्टर है जहां पर बारिश जो है ऐसे हुआ सच होती तो है बट वो नीचे पहुंच नहीं पाती है, ग्राउंड सरफेस में पहुंचते पहुंचते ही वो हवे में उड़ जाती है. ठीक है, अब इसका टेम्परेचर वेरिएशन देख ले दोस्तों, ये किस किस टेम्परेचर रीजन पे हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा, मतलब इसके टेम्परेचर रीजन कैसी होती है इस रीजन की आपका जाके सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की. तो डे का टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा तो अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देखने को मिलेगा, बट वहीं पर रात का टेम्परेचर देख लीजिएगा तो वो बहुत ज्यादा गिर जाता है. मैंने बोला ना डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है यहाँ पर ज्यादा होता है ना, वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पर. ठीक है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी हाई होता है. देख लो दोनों चीज हमने बोला, इसके रीजन क्या क्या है. ऑफकोर्स यहाँ पे क्लियर स्काई जो है वो क्लियर है, मतलब स्काई में जो है कोई बादल नहीं है. अगर सोचो बादल होता तो क्या होता है ना दैट लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो आ रही है ना उसको री रेडिएट करके ये पीछे भेज देता, मतलब इस रीजन को जो लोअर एटमोसफेयर को फिर से गर्म कर देता. बट क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आसमान क्लियर है तो यहाँ पे जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है वो आराम से एटमोसफेयर से बाहर निकल जाती है, समझ लो बात. तो इसलिए ओपन क्लियर स्काई के कारण भी जो है ये डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है, इसी के कारण जो है नाइट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है. क्यों? क्योंकि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलती है. अब वेजिटेशन अगर यहां पर देख लोगे तो ये मतलब ये ऐसे ग्राउंड सर्फेसिस होती है जो कि वेजिटेशन फ्री होती है, ज्यादा वेजिटेशन नहीं होता है क्योंकि वेजिटेशन के लिए तो यार पानी चाहिए, यहाँ पे तो पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है. ऐसी ही वेजिटेशन होती है जो कि इस रीजन में अडेप्ट अपने आप को कर पाती है एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर में. ठीक है, और इसलिए ऑफ कोर्स यहाँ पे लो ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा लो होता है, इक्वेटर से भी डिस्टेंस अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पर है, और यहाँ पे सैंड का भी डोमिनेशन है. तो ये सारे फैक्टर्स है जिनके कारण टेम्परेचर ओवरऑल इस रीजन का हाई होता है. तो अगर देखो हाई भी वेजिटेशन का फिर से रिलेट आप ऑटोमेटिकली खुद ही कर सकते हो, दैट वेजिटेशन अगर होता तो वहां पर ट्रांसपिरेशन होता तो कुछ तो नमी आती है ना, बट वहां पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता ही नहीं है तो इसलिए यू नो वहां के एटमॉस्फेयर में नमी भी नहीं आती है, इसलिए बारिश भी प्रॉपर नहीं होता है. इसीलिए यहां पर जो डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी ज्यादा हमें देखने को मिलता है. अब आ जाता है प्रेसिपिटेशन में. एनुअल रेनफॉल अगर देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बोला बहुत कम है, दैट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर तक ही हमें देखने को मिलता है. बट मैक्सिमम ड्राइनेस जो है ना, जैसे आप कॉन्टिनेंट के इंटीरियर घुसते रहिएगा है ना,
जो हम लोगों ने अभी दिखाया था, उस जैसे इंटीरियर घुसते रहिएगा वैसे ड्राइनेस जो है वो बढ़ती रहती है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है दैट नियर द कोस्ट जो है आपको ड्राई क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, थंडर स्टॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे, बट रेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बारिश अगर हो भी रहा है ना तो वो आते आते ही उससे पहले इवापोरेट हो जाता है, समझ लो बात। इसलिए भले ही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इस रीजन में दिख रहा है, भले ही थंडर स्टॉर्म इस रीजन में दिख रहा है, बट यहाँ पर रेन जो है वो नहीं होता है। एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर इस रीजन का देख लीजिएगा वो 10 से 30% है। शॉर्ट ड्यूरेशन और इंटेंस रेनफॉल होता है, अगर होता भी है तो, अगर और डेजर्ट मतलब फॉग, मतलब यहाँ पे जो है फॉग डेजर्ट देखने को मिलेगा, है ना। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे यूजुअली क्या होता है ना दैट जैसे कि मैंने बोला फॉग कंडीशंस प्रिवेल क्यों होती है बताइए तो, रेडिएशन मैकेनिज्म के थ्रू। और यहाँ पे रेडिएशन मैकेनिज्म जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए यहां पे फॉग होता है, और उस फॉग के कारण फर्दर यहां पे रेन प्रिवेल होता है, ठीक है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो एज सच इट इज नॉट दैट कंड्यूसिव फॉर द वेजिटेशन पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादा मतलब स्कार्सिटी ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है। बट अगर कुछ प्लांट एग्जिस्ट भी करती है तो ये ऐसी प्लांट्स होती है जो कि इस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ अपने आप को अडेप्ट कर ले। और वो कैसी प्लांट्स होती है? जीरोफाइटिक प्लांट्स, जिसकी रूट्स लंबी लंबी होती है, वैक्सी लीव्स होती है, और थॉर्न्स होती है, एंड लिटिल लीव्स होती है, जिसके कारण जिससे क्या इवापो ट्रांसपीरेशन को अवॉइड किया जा सके। ये तो क्लास 6 या 7 के एनसीईआरटी साइंस बुक में ही दिया हुआ है यार, जीरोफाइटिक प्लांट्स का एडेप्टेशन। जैसे कैक्टस है ना, कैक्टस का एडेप्टेशन, ये उसका रूट्स अगर देख लीजिए काफी ज्यादा लंबी होती है। क्यों लंबी रूट्स होती है? जिससे क्या उस डेजर्ट वाले कंडीशन में जो है ये एकदम नीचे वाला ग्राउंड लेटवर से जो है वाटर को थोड़ा मोड़ा खींच सके, इसलिए इसका रूट जो है ऑटोमेटिकली नीचे पेनिट्रेट कर जाता है, नीचे लंबा लंबा रूट्स होता है, ठीक है। वैक्सी लीव्स क्यों होती है? जिससे जो है इसका जो एल्बिडो है वो बढ़ जाए। क्योंकि सोचो अगर वैक्सी लीव्स नहीं होता ना तो क्या होता, दैट वो जो जैसे ग्रीन अगर प्लांट है कोई भी, वो सन को एब्जॉर्ब कर लेता, एब्जॉर्ब अगर करता तो ऑटोमेटिकली वहां भीतर से जो पानी है उसको ट्रांसपीरेट करना पड़ता है इसको, ठीक है। बट क्योंकि अभी वैक्सी लीव्स है तो जितने अमाउंट ऑफ सन रेज यहां पे आ रहे हैं तो वो बाउंस बैक कर जा रहा है, समझ लो बात। तो इसीलिए इसका एल्बिडो बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वैक्सी लीव्स एक एडाप्टेशन है काइंड ऑफ, ठीक है। और थॉर्न्स क्यों रहते हैं? सोचो अगर कैक्टस में आपको ये कांटे कांटे क्यों रहते हैं? देखो अगर यहाँ पे पत्ता भी हो सकता है ना, अगर वही कैक्टस अगर आप ऐसे रीजन में लगा दो जहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है तो वहां से पत्ते निकल जाएंगे, ट्रस्ट मी, ये सही बात बोल रहा हूँ। मेरे घर के सामने भी मैंने देखा कैक्टस प्लांट से पत्ते निकलते हुए, ठीक है। बट वो क्यों होता है पता है? क्योंकि यहाँ पे इसको एबंडेंट मॉइस्चर मिलता है। बट यहाँ पर जो है यहाँ पे थॉर्न्स क्यों बनाए हुए रहती है, कांटे कांटे क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर कांटे नहीं रहेंगे तो यार यहाँ से तो ज्यादा पानी निकल जाएगा ना, इसीलिए कांटे इसका टाइप ही हो जाता है कांटा कांटा किस्म का, ठीक है। और ये बहुत समय जो यहाँ पे वेजिटेशन जो है बुशेस के फॉर्म में भी मिलेंगे, ठीक है, जो क्या बहुत कमी होता है, जैसे ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी हम लोगों ने कवर कर लिया, विच कम्स अंडर द BWH क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसके साथ एक चीज तो हम लोगों ने बोलना भूल ही गया दोस्तों, रुकिए रुकिए रुकिए, एक चीज तो मैंने बोलना भूल ही गया। यहाँ पर भी तो एनिमल्स के कुछ कुछ अडेप्टेशन होती है, ठीक है, जैसे साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में एनिमल कुछ कुछ अडेप्ट यहाँ पर करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे यहाँ पे एनिमल्स रहेंगे जो क्या फास्ट रनर्स होंगे, राइट। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि नॉक्टुरल होंगे। नॉक्टुरल मतलब जैसे सन के हीट को जो है ना डे टाइम में वो लोग एब्जॉर्ब, क्योंकि देखो अब सन के समय में अगर आप निकलोगे बाहर में तो आपको ऑब्वियसली एग्जॉशन होगा, आपके शरीर से जो है जो भी वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। और कुछ अगर एनिमल है तब तो उनके लिए उनके तो अपना वाटर कंजर्व करना पड़ेगा ना, इसलिए वो नॉक्टुरल होता है, रात को निकलते हैं, ठीक है, जिससे क्या सुबह रात को ठंडी ठंडी रहती है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा उन लोग को एनर्जी भी लॉस नहीं होता है, ज्यादा जो वाटर को है वो प्रॉपर तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे भी एनिमल्स हमको मिलते हैं जो क्या बहुत मतलब अपने ब्लैडर में जो है यूरिन को स्टोर कर सकते हैं, राइट। एनिमल और बर्ड जो है ये यहाँ पे वैसे रहता है जिनका लेग्स जो है पैर जो है टांगे वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हुई रहती है ना। और इससे क्या फायदा मिलता है दैट वो ग्राउंड सरफेस से जो है वो थोड़ा दूर तक रहता है। जैसे कैमल्स ले लो, उसकी टांगे देखो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, मतलब ग्राउंड सरफेस से जो उसका एक्चुअल बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर है क्या? नहीं, मतलब इसका हीट का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है इसके बॉडी के ऊपर नहीं लगेगा, ये है क्या? नहीं समझ रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली देखो सन के रेस से तो ये ग्राउंड सरफेस तो हीट हो रहा है, बट बीच वाला जो एयर है ना, एयर इज अज्यूम टू बी द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। तो ऑफ कोर्स एयर के कारण जो है इसका ही मतलब इसके शरीर पे, कैमल के शरीर पे डायरेक्टली ये हीट अटैक नहीं कर पाता है, समझ रहे हो बात।
ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मिड लैटिट्यूड स्टेपे क्लाइमेट, दैट इज बीएसके क्लाइमेट आ जाते हैं। मिड लैटिट्यूड स्टेपे क्लाइमेट ये वैसे क्लाइमेटिक रीजंस में प्रिवेल करती है विच आर टेम्परेट ग्लेशियल टाइप ऑफ रीजन, दैट इज जैसे प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का पंपास, वेल्ड डाउन्स आपका जाकर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वैसे ही आपका जाके यूरेशिया में आपका स्टेपे क्लाइमेट है ना, यूरोप में पुस्ताज, ठीक है। तो ये जो आपको आप मतलब ग्रासलैंड देखने को मिलता है जिसको हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड भी कहते हैं, तो ये जो है बीएसके के कैटेगराइजेशन के अंडर आएंगी, दैट इज मिड लैटिट्यूडनल स्टेपे लोकेशन। इसकी भी चलिए लोकेशन डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर डिस्कस करते हैं, प्रेसिपिटेशन डिस्कस करते हैं, फौरा फ्लोरा फौना वेजिटेशन सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड का अगर लोकेशन आप देख लीजिएगा तो इट इज लाइंग बिटवीन 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फेयर। जी हाँ दोस्तों, 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आप दोनों हेमिस्फेयर के बीच में इसका प्रिडोमिनेंट लोकेशन देख लीजिएगा। जैसे इंटीरियर जाइएगा कॉन्टिनेंट के, ठीक है, तो वहां पर आपको वेस्टर्ली विंड बेल्ट का डोमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। मतलब यहां पे जो ये जो इंटीरियर कॉन्टिनेंट है ना, वो ऐसा टाइप का रीजन में देखने को मिलेगा जहां पर हमें वेस्टर्ली विंड्स देखने को मिलेंगे, और यहां से तो यही कॉमन हो जाता है हमें दैट 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड में अगर हमें देखने को मिल रहा है तो यहां पे तो वेस्टर्ली विंड ही डोमिनेट करता है, तो ऑफकोर्स ये वेस्टर्ली विंड बेल्ट के अंडर ही आता है ये रीजन। आउटर लिमिट जो है इसका मिड लैटिट्यूडल डेजर्ट होगा, है ना, एंड लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन में हमें ये देखने को मिलता है, दैट इज देखिए इसके यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, ठीक है, यहां पर भी माउंटेन है ना, यहां पर भी आपका जाके यूराल्स माउंटेन है, ठीक है। तो इस रीजन में बेसिकली ज्यादातर ऐसा रीजन में देखने को मिलेगा जो क्या मतलब ये मिड लैटिट्यूड स्टेपे जो है वो लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन के रीजन में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। सदर्न हेमिस्फेयर में अगर देख लोगे तो इसका थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाता है, दैट इज ये जो है अलोंग द साउथ ईस्ट मार्जिन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और यहां पे रिस्पेक्टिवली नॉर्दर्न जो मिड लैटिट्यूडनल स्टेपे है उससे अगर देख लीजिएगा क्लाइमेटिक कंडीशंस रिस्पेक्टिवली ज्यादा मॉडरेट होती है। बताइए तो क्यों? क्योंकि यहां पर डोमिनेंस ऑफ वाटर है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में डोमिनेंस ऑफ वाटर है बट यहां पर डोमिनेंस ऑफ लैंड एरियाज है, इसीलिए यहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मिड लैटिट्यूडनल स्टेपे की तो वो थोड़ा ज्यादा मॉडरेट रहता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, राइट। और चलो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया लोकेशन। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा तो वो वैरी करता रहता है लैटिट्यूड एलिवेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाटर के साथ साथ। नदर्न हेमिस्फेयर में अगर देख लीजिएगा दोस्तों तो समर काफी ज्यादा वार्म होती है, इनफैक्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी समर रहती है, बट वहीं पर विंटर जो है वो काफी ज्यादा कोल्ड रहती है। इनफैक्ट अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सी देख लीजिएगा तो वो अराउंड -40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इतना ज्यादा कोल्ड होती है ये रीजन्स। सदर्न हेमिस्फेयर में जैसे कि मैंने पहले ही बोला टेम्परेचर कंडीशन ज्यादा मॉडरेट होती है, क्यों? क्योंकि इसका सी से जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा कम है, ठीक है, बट नदर्न हेमिस्फेयर में ये इनलैंड में ज्यादातर हमें मिलता है, ठीक है, और वो हमें डायग्राम से भी दिख गया था। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा वो काफी ज्यादा हाई है नदर्न हेमिस्फेयर में, बट सदर्न हेमिस्फेयर में जो है वो रिस्पेक्टिवली लो होगा, अगेन सेम रीजन दैट वहां पर डोमिनेंस ऑफ जो है वाटर बॉडीज हमें देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन दैट इज बारिश का कंडीशन अगर देख लीजिएगा, मीन एनुअल टेम्परेचर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इस रीजन में बिटवीन 75 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर पर एनम हमें देखने को मिलता है, जो क्या फर्दर लोकेशन के साथ साथ वेरी करता है। इनफैक्ट नदर्न हेमिस्फेयर में अगर देख लीजिएगा तो विंटर रेनफॉल हमें देखने को मिलेगा एंड दैट रिजल्ट्स इन स्नोफॉल इन दीज एरिया, ठीक है, प्रेसिपिटेशन वाला एरिया, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने अच्छा मिड लैटिट्यूडनल स्टेप पे कवर कर दिया। अच्छा एक चीज तो मैंने बोलना भूल गया आपको, दैट यहां पर जो आपका वेजिटेशन होता है वो किस टाइप का होता है वो बोला नहीं ना, चलो वो छूट गया शायद, एनीवेज लिख लो आप अपने नोट्स कॉपी में, ठीक है। वेजिटेशन का अगर बात करें, ठीक है, तो आपको जो वैसा वाला रीजन जो क्या वाटर के ज्यादा करीब है ना वहां पर ही हमें ज्यादातर वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है ना। और जैसे प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में वो हम लोगों ने देखा था ना, तो वहां पे हमें लॉन्ग ग्रासेस देखने को मिलते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे भी रीजन है जैसे यूरेशियन रीजन में जो स्टेपे रीजन का हम लोगों ने बात किया वहां पर हमें शॉर्ट ग्रासेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टॉल ग्रासेस दैट इज प्रेरीज में जो हमें नॉर्थ अमेरिका में लॉन्ग ग्रासेस देखने को मिलते हैं दैट इज वेरी गुड, यू नो रीजन जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर लैंड के तरह भी उसको कल्टीवेशन में ले सकते हैं, बट वहां पर जो आप शॉर्ट ग्रासेस होती हैं जैसे प्रेरीज रीजन में तो वो जो है ना सेमी डेजर्ट टाइप ऑफ ग्रासेस होती है एंड दैट इज वेरी गुड रीजन जहां पर आप अपने भेड़ बकरियों को चरा सकते हैं, राइट। तो वो ग्रेजिंग के लिए काफी ज्यादा सूदिंग होता है, ठीक है। यहां पर सॉइल कंडीशन अगर देख लीजिएगा दोस्तों, सॉइल कंडीशन
तो वहां पे ग्रासलैंड ग्रो करता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर दैट एरिया, है ना. और टॉप सॉइल जो है वो रिस्पेक्टिवली ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है. फौना स्पीशीज अगर देख लीजिएगा तो ज्यादातर ग्रेजिंग एनिमल होता है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वेजिटेशन पे देखा यहाँ पे या तो ट्रॉल ग्रासेस है या तो शॉर्ट ग्रासेस है ना. तो ऑफकोर्स यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स काफी ज्यादा प्रिवेल देखने को मिलता है. जैसे कुछ कुछ आपके बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे जैक रैबिट्स, जंपिंग माइस, है ना. तो ये लोग जो है ना जंप करते हुए रहते हैं यहाँ पर, है ना. तो यहाँ पे एक छोटा सा एडेप्टेबिलिटी फीचर्स है जो कि हमें फौना के केस में भी यहाँ पर देखने को मिलता है. ऐसा कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट इज मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट. मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट की अगर हम बात बारे में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं BWK के कैटेगराइजेशन में इसको हम लोग लाते हैं, ठीक है. BWK ये हम लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है. जहां पर बी स्टैंड फॉर ड्राई क्लाइमेट, डब्ल्यू स्टैंड फॉर डेजर्ट क्लाइमेट और के स्टैंड फॉर मिड लैटिट्यूडनल क्लाइमेट. और राइट, जहां पर आपका टेम्परेचर जो रेंज है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, राइट. तो ये वैसे रीजन में लाई करता है जो क्या 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड दोनों हेमिस्फेयर में, दैट इज नॉर्थ हेमिस्फेयर एज वेल एज साउथ हेमिस्फेयर दोनों में लाई करता है. यहां पर भी डेजर्ट एरिड क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है जहां, और ये फर्दर हमें कहां पर मिलता है, कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट्स में, टेम्परेट रीजन में. जैसे एशिया में देख लो, गोबी डेजर्ट, टकलामकान रीजन, है ना. कजाकिस्तान में ग्रेटर बारूसुकी, उसके बाद अराल कराकुम डेजर्ट. नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजाबे डेजर्ट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. उसके बाद साउथ अमेरिका में देख लो पैटागोनिया डेजर्ट, राइट. तो ये कहां कहां लाई कर रहा है, ये भी अब हम लोग मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट के कैटेगराइजेशन के अंडर ही लाएंगे, जहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है. दैट इज कोल्ड विंटर में, दैट इज जनवरी के समय में अगर देख लीजिएगा तो वहां पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा. बट वहीं पर आपका हॉट समर में अगर जुलाई में देख लीजिएगा तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा. ह्यूमिडिटी लेवल यहां पर रिस्पेक्टिवली लो होता है और ये लाई करता है वैसे रीजन में जो क्या रेन शैडो रीजन में लाई करते हैं. इनफैक्ट टेम्परेट रीजन में जो है ना ये ऐसा जोन में लाई करता है विच इज लाइंग अंडर द हाई प्रेशर जोन. और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी रिस्पेक्टिवली ज्यादा कम होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता, कम होता है. क्यों? ऑफ कोर्स क्यों, टेम्परेट हाई प्रेशर जोन में लाई कर रहा है, ठीक है. और इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है. तो इसी के साथ ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया. नेक्स्ट सी टाइप्स क्लाइमेट. अब सी टाइप क्लाइमेट मतलब क्या होता है, ये है वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूडनल क्लाइमेट. ध्यान दीजिएगा, वार्म टेम्परेट रीजन में है, ऑफ कोर्स मिड लैटिट्यूडनल टेम्परेट रीजन में है. और यहाँ पर जो टेम्परेचर कंडीशंस है ना वो रिस्पेक्टिवली वार्म है ना. तो यहाँ का एवरेज कोल्डेस्ट मंथ अगर देख लीजिएगा वहां पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें देखने को मिलता है. और हर एक सीजन में ही यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं. अच्छा, ये सी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है दोस्तों, इसको तीन क्लाइमेटिक टाइप में विभाजित किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेसिपिटेशन, दैट प्रेसिपिटेशन वहां पे कितना होता है, राइट. सबसे पहला है यहाँ पे CFA, दूसरा है CS, तीसरा है CFB. सी मतलब तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे देख लिया वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट. F मतलब वैसा सीजन जहां पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. A मतलब हॉट समर सीजन. S मतलब समर ड्राई है सीजन है यहां पर. और B मतलब मरीन वेस्ट कोस्ट है, ठीक है. तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहले देख लेते हैं CFA में, CFA दैट इज ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट. ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट CFA ये कहां पर एग्जिस्ट करती है दोस्तों. देखिए जो रीजन में मैंने हैचिंग लाइंस करके एकदम क्लियरली डिमार्केट किए गए हैं, ठीक है. और क्योंकि ये ईस्टर्न चाइना रीजन में भी मिलती है और डोमिनेटेड है तो इसीलिए इसको इसके नाम से भी जाना जाता है, दैट इज चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है. ये वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है, देखिए टेम्परेट रीजन में है, ठीक है. ऑफ कोर्स ये रीजन वार्म है और ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में, देख रहे हैं यहां पर भी ईस्टर्न मार्जिन में, यहां पर भी ईस्टर्न मार्जिन में, यहां पर भी अफ्रीका में भी ईस्टर्न मार्जिन में, साउथ अमेरिका में भी ईस्टर्न मार्जिन में, नॉर्थ अमेरिका में भी ईस्टर्न मार्जिन में. इसलिए ये, और ये टेम्परेट रीजन में है और क्योंकि वार्मनेस यहाँ पे डोमिनेट करती है तो इसलिए हम इसको कहते हैं वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी, दैट प्रेसिपिटेशन यहाँ पर सब समय होता है, ठीक है. और समर में ये सीजन वार्म होता है कोस्टल रीजन में रिस्पेक्टिवली, लेकिन ह्यूमिडिटी एग्जिस्ट करती है. अब इसके भी वेरियस फैक्टर्स देख लेते हैं, जैसे लोकेशन देख लेते हैं, टेम्परेचर देख लेंगे क्या है, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन, ये
सब सब फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन अगर देख लीजिएगा 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी देखिएगा और सदर्न हेमिस्फेयर में भी इसी रेंज में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये टेम्परेट जो पोर्शन है ना उसके सदर्न जोन्स में लाई करता है। सोचो ये टेम्परेट पोर्शन है ये बेसिकली, ठीक है, तो उसके सदर्न जोन्स में हमें क्लियरली ये डोमिनेटेड हुआ दिखता है, ठीक है। अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में हमें क्योंकि ये दिखता है तो इसलिए मरीन ट्रॉपिकल एयर मास जो है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, जिसके कारण उस यहां पर जो है रेनफॉल होती रहती है। इनफैक्ट अगर वेस्टर्न रीजन में आप देख लीजिएगा तो वेस्टर्न रीजन, लेकिन यही सबके साइड का ये वाला ये इसका अगर वेस्टर्न रीजन देख लीजिएगा तो यहां पे क्या आपको इनलैंड ड्राई रीजन देखने को मिल रहा है। सदर्न रीजन अगर देख लीजिएगा तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एग्जिस्ट करती रहती है, ठीक है। इसके सदर्न रीजन में मॉनसून क्लाइमेट है ना, इसके भी सदर्न रीजन में यहां पर क्लियरली हमें मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। वहीं पर नॉर्थ में अगर देख लीजिएगा तो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है और ईस्ट में ओशंस है, इसके वहां पर आपको क्लियरली दिख भी रहा है दैट ईस्ट में ओशंस है, ठीक है। चाइना टाइप और मेडिटेरेनियन टाइप, ध्यान दीजिएगा ये दोनों टाइप जो है ना ये सेम ही लैटिट्यूड में लाई करते हैं, बट स्टिल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, जो हम जब हम मेडिटेरेनियन पढ़ेंगे तो हम उसमें भी समझ लेंगे, कोशिश करेंगे, राइट। बट इसका अगर टेम्परेचर देख लीजिएगा तो कोस्टल पार्ट में जो है ना ये वार्म ओशन करंट जो होता है उससे इन्फ्लुएंस होता है बहुत हद तक, बट इसका मीन समर टेम्परेचर जो है वो अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें यहां पर देखने को मिलता है। और हाईएस्ट हाई समर टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा यहां पर होता है, जिसके कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा हाई होती है। ध्यान दीजिएगा क्लाउडलीनेस यहां पर क्योंकि एग्जिस्ट करती है, इसीलिए जब भी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलती है ना तो रात को तो क्लाउड है, तो क्लाउड जो है उसको रिटार्ड बैक कर देती है, दैट इज फिर से रीरेडिएट कर देती है बैक टू द अर्थ, इसीलिए इस रीजन का टेम्परेचर जो है ना वो नीचे नहीं गिरता है, ठीक है, समझ रहे बात। डायग्रोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा यहां पर तो रिस्पेक्टिवली लो है क्योंकि सब गर्मी ही ऑलमोस्ट रहता है यहां पर, है ना। और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो फर्दर कंट्रोल किया जाता है एक्सटेंट ऑफ लैंड एरिया, दैट इज उस लैंड एरिया का एक्सटेंशन कितना है उस रीजन में, अगर विंटर मॉनसून आ भी रहा है तो उसका स्ट्रेंथ कैसा है, तो वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा ये ऐसा जोन है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला रीजन दैट ये ट्रॉपिकल मैरिटाइम एयर मास के द्वारा भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें दोस्तों तो एनुअल प्रेसिपिटेशन अराउंड 250 सेंटीमीटर कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है, बट जैसे इनलैंड रीजन में आप घुसते रहिएगा तो इसका लेकिन प्रोपोर्शन घटता रहेगा। इनफैक्ट इनलैंड रीजन की तरफ अराउंड 75 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, है ना। ये तो एनुअल का हम लोग बात किए। अब समर रेनफॉल अगर होता है ना जो होता है वो कन्वेक्टिव टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, क्यों, क्योंकि देखो समर सीजन में ऑफकोर्स जो सोचो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर एग्जिस्ट कर रहा है तो समर सीजन के समय आपका जाके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आजू बाजू यू नो सूरज पहुंच जाता है ना, तो उस समय क्या होता है दैट वहां का ग्राउंड सरफेस जो है वो काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है और इसीलिए दैट रीजन इज वेरी मच कंड्यूसिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट। और विंटर रेनफॉल कैसे होता है, ऑफ कोर्स विंटर रेनफॉल जो है विंटर जो साइक्लोन्स होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स वेस्टर्लीज के द्वारा जो लाए गए जाते हैं उसके कारण बहुत हद तक रेनफॉल यहाँ पे होता है, बट ध्यान दीजिएगा विंटर के समय जो रेनफॉल होता है वो लेस रेनफॉल होता है डेज में, ठीक है। एंड नंबर लेकिन होता है लार्जर नंबर ऑफ रेनी डेज, दैट इज ज्यादा दिन तक रेन जरूर होता है बट ओवरऑल एक्सटेंट जो होता है ना वॉल्यूम जो होता है रेन का वो कम होता है। जैसे एग्जांपल अगर बोले तो समर सीजन में सोचिए अगर से फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, सोचो 100 लीटर यू नो पानी गिरा, ठीक है, तो समर सीजन में ऑफकोर्स 100 लीटर पानी गिरेगा बट विंटर सीजन में क्या होगा ना, तो से फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 30 लीटर ही पानी गिरा है ना, बट अगर समर सीजन में ये 100 लीटर अगर सोचो 10 दिन में गिर रहा है तो विंटर सीजन में ही ये 30 लीटर जो है ये 30 दिन में गिरेगा, समझ रहे हो। ये हुआ इंटेंसिटी जो कि मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब विंटर में जो है रेनी डेज जो है वो लार्ज नंबर होते हैं बस वॉल्यूम जो होता है ना रेन का वो कम होता है रिस्पेक्टिवली। वेजिटेशन वेजिटेशन की अगर बात करो तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली ग्रोइंग सीजन काफी लंबा होता है, दैट इज 7 से 12 मंथ का ग्रोइंग सीजन होता है क्योंकि हीट ऑफकोर्स एम्पल रहती है वहां पर, ठीक है, और रेनफॉल भी काफी ज्यादा होती है टेम्परेचर भी ज्यादा होती है, इसलिए ये रीजन जो है एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट यहाँ पे लग्जूरियस ग्रोथ आपको मिलेगा बहुत सारे ऐसे स्पीशीज का जो कि एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट में भी हमें मिलते हैं, बट बहुत समय जहां पर मॉडरेट रेनफॉल रीजन होता है वहां पर लेकिन आपको डेसिड्यूस रेनफॉल या फिर ग्रासलैंड टाइप के रीजन प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट
एक्सिस्ट करते हुए हमें दिखते हैं। तो इसी के साथ ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आ जाते हैं सीएस, दैट इज यही इसी का मैं यू नो मिल दे रखा रहा था, दैट ये तो चाइना टाइप हुआ है ना, और मेडिटेरेनियन टाइप। अब देखिए मेडिटेरेनियन टाइप और चाइना टाइप जो है एक ही लैटिट्यूडनल रीजन में लाई करते हैं, बट स्टिल मेडिटेरेनियन यू नो क्लाइमेटिक टाइप्स का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत हद तक वेरी करता है एज कंपेयर टू द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सो लेट्स रीड अबाउट इट एज वेल, राइट गाइस। तो इसको क्या क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, दैट इज सब ट्रॉपिकल ड्राई समर क्लाइमेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका जो समर होता है वो काफी ज्यादा ड्राई होता है और काफी ज्यादा हॉट होता है, इसीलिए ना ये रीजन को हम लोग बोलते हैं दैट ठंडियों के समय यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है ना, बट गर्मियों के समय बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय जो है ना ये रीजन काफी ज्यादा हॉट रहता है। इसका लोकेशन अगर देख लीजिएगा तो 30-45 डिग्री दोनों आपका जाके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो है प्रीडोमिनेंटली ज्यादातर देखने को मिलता है, इसीलिए इसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका डोमिनेंस रिस्पेक्टिवली ज्यादा है, आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो ऑफकोर्स ज्यादा है, बट वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में इसका डोमिनेंस रिस्पेक्टिवली कम है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में ये हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा, है ना, और यहाँ पर जो है सब ट्रॉपिकल हाई, दैट इज समर सीजन में सब ट्रॉपिकल हाई एंड विंटर सीजन में जो है वेस्टर्लीज विंड के कारण जो है यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। इसका ओरिजिन कैसे होता है, जो हमारे जो सीजनल शिफ्ट करती रहती है ना विंड और प्रेशर बेल्ट, उसी के कारण ही इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ठंडे के समय जैसे मेडिटेरेनियन सी ले लो, जैसे ये ले लो, ठीक है, ठंडी के समय तो ये पूरा रीजन ठंडा है, ठीक है, लैंड मास तो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो इसके आजू बाजू लैंड मास के कंपैरेटिवली ये वाला रीजन जो है ना ये वाला हॉट रहता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, समझ लो बात, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है टेम्परेट साइक्लोन के कारण जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, और यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। एंड द टेम्परेचर रेंज अगर इस रीजन का देख लीजिएगा तो समर के सीजन में तो ड्राई रहता है, दैट इज 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एन एवरेज रहता है, बट वहीं पर विंटर के समय लेकिन यहाँ पे कूलनेस प्रिवेल करता है और बारिश भी होता है, मतलब विंटर जो है इसका वेट विंटर होता है बेसिकली, ठीक है, जहां पर हमें टेम्परेचर रेंज जो है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। यहाँ पर जो प्लांटेशन वेजिटेशन होते हैं वो या तो ट्रीज या फिर छोटे मोटे स्क्रब्स, जो क्या स्क्रेलोफाइल बायोम्स के कैटेगराइजेशन में लाया जाता है, जिसके साथ आप यू नो वो वाइन्स वाइन्स जो बनाते हैं ना वो इसी बायोम्स के बेसिकली प्रोडक्ट्स के थ्रू वाइन की कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है। और ये रीजन ऐसा है, ये वेजिटेशन कंडीशंस ऐसे होते हैं जो क्या कहीं ना कहीं अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं विद द ड्राइनेस ऑफ समर एंड द वेट विंटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये समर के समय जब इसको पानी चाहिए तब वो ऐसा अपने आप को मैनिपुलेट कर लेते हैं जिससे एरिडिटी को आराम से अडेप्ट कर सके, जिससे इवापो ट्रांसमिशन जो समर सीजन में हो रहा है वो कम से कम हो, ठीक है। यही नहीं, अगर प्रेसिपिटेशन सेक्टर में देखिएगा तो इस रीजन का प्रेसिपिटेशन कैसा कैसा होता है, तो देखिए मीन एनुअल रेनफॉल अगर देख लीजिएगा तो वो अराउंड आपका आता है 65 सेंटीमीटर, राइट, इस रीजन में, राइट, और 75% जो रेनफॉल होता है आउट ऑफ दिस, राइट, वो विंटर के समय में ही हो जाता है। इनफैक्ट कोस्टल यूएसए अगर देख लीजिएगा तो वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है और वो रॉकीज माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट में होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, वही रीजन तो हमने बताया था ना मेडिटेरेनियन टाइप जो क्लाइमेट वहां पर एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हो बात। अब वेजिटेशन के बारे में अगर बात करो तो यहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो स्केरोलोफाइलस कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, दैट इज बहुत ज्यादा स्टिफ, बहुत ज्यादा हार्ड, और यू नो इसके थिक स्टेम भी जो है काफी ज्यादा थिक बार्क के होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स गर्मियों के सीजन में इसको पानी काफी हद तक कंजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंटली वेजिटेशन की जाती है वो फ्रूट ट्रीज की जाती है, वाइन्स की जाती है, जैसे ग्रेप्स, फिग्स, ऑलिपर, सिट्रस फ्रूट, क्योंकि देखो यही सबसे ही अल्टीमेटली जो वहां पर मेन जो प्रोडक्ट निकलता है ना वाइन्स काफी ज्यादा फेमस है, शैंपेन सुना ही होगा आपको बहुत सारा, तो ये सब का यूरोपीय रीजन का काफी ज्यादा फेमस चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। और स्मॉल प्लांट्स जैसे ये आपको श्रब्स, ग्रासेस, हर्ब्स भी यहाँ पर मिलेंगे, एवरग्रीन प्लांट जैसे पाइन ट्रीज काफी ज्यादा फेमस यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ कुछ डेसिडुअस ट्रीज का भी डोमिनेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जैसे ओक ट्रीज, राइट। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले दैट इज सीएफए वाला, दैट इज ह्यूमिड सबट्रॉपिकल, जिसको हम लोग चाइना टाइप भी बोलते थे, और अभी वाला हमने डिस्कस किया सीएस टाइप, जिसको हम लोग मेडिटेरेनियन टाइप भी बोलते हैं। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, हम लोगों ने चाइना टाइप में देखा दैट ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में लाई कर रही है, बट वहीं पर मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट थी वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में हमने क्लियरली देखा। यहां पर हम लोगों ने देखा दैट समर सीजन में रेनफॉल मैक्सिमम होता है और समर रेनफॉल जो है थ्रू आउट द ईयर होता है, बट यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर वेट
मतलब विंटर तो वेट होता है बट समर जो है वो काफी ज्यादा ड्राई होता है। इनफैक्ट यहाँ पे मीन एनुअल रेनफॉल भी अगर देख लीजिएगा मेडिटेरियन क्लाइमेट के समय में रिस्पेक्टिवली कम होता है एज कम्पेयर टू चाइना टाइप क्लाइमेट, ठीक है, जहां पर मेडिटेरियन क्लाइमेट से तो ज्यादा होता है, और इसीलिए इसको सब मॉनसून क्लाइमेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलता है मॉनसून के साथ भी। क्योंकि देखो मॉनसून में क्या होता है, इंडिया में अगर देख लीजिएगा ऑफकोर्स साउथ वेस्ट मॉनसून के समय काफी ज्यादा मेजर बारिश होती है, अराउंड 85% ऑफ द बारिश इंडिया कॉन्टिनेंट में हो जाती है, ठीक है। अच्छा जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के समय जो है इस रीजन में कहीं ना कहीं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न कोस्ट वाले रीजन में बारिश होती है। वही चीज तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने चाइना टाइप में भी देखने की कोशिश की, दैट समर सीजन में बारिश हो रही है वहां पर, है ना, बट विंटर सीजन में भी जो है एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन के कारण वहां पर बारिश होती है। बट हाँ भले ही वो बात है दैट विंटर सीजन में कम होती है, ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलता है इंडिया मॉनसून और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ एनीवेज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल दैट इज चाइना टाइप क्लाइमेट हम लोगों को कवर किया, सीएस दैट इज मेडिटेरेनियन टाइप हम लोगों ने कवर किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट दैट इज मरीन वेस्ट कोस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट यूरोपियन रीजन में जो है इसका डोमिनेंस देखने को मिलता है, या फिर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ऑफ कोर्स ब्रिटेन में भी इसका काफी ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं दैट सिर्फ ये यहीं पर मिलता है, डिफरेंट अदर रीजन में भी जो है इस टाइप के क्लाइमेट्स हमें प्रिवेल होते हुए दिखते हैं। बेसिकली ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है जहां पर वो दोनों नॉर्दर्न एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होती है, ठीक है, और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में हमें ये ज्यादातर देखने को मिल रहा है। देख लो ये भी कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न कोस्ट है, ये भी वेस्टर्न कोस्ट, हाँ ये एक्सेप्शन है बट हाँ ये भी वेस्टर्न कोस्ट ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट इसका देखने को मिलता है, साउथ में जो है इसके मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, इसके भी साउथ में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसके भी साउथ में है, क्या नहीं। ईस्ट में जो है आपको कॉन्टिनेंटल ड्राई है, देखो ईस्ट में कॉन्टिनेंटल ड्राई क्लाइमेट, इसके भी ईस्ट में कॉन्टिनेंटल ड्राई क्लाइमेट एग्जिस्ट करती है, बट जैसे आप इनलैंड में भीतर में घुसते रहोगे तब लेकिन इनलैंड का टोपोग्राफिकल कंडीशंस के कारण ही वहां का क्लाइमेट जो है इंपैक्ट या फिर चेंज होता है। अब इसके भी बारे में देख लेते हैं दैट यहां पर टेम्परेचर कंडीशंस कैसे एग्जिस्ट करती है, यहां पर प्रेसिपिटेशन टाइप ऑफ कंडीशंस कैसे एग्जिस्ट करती है, वेजिटेशन किस किस किस्म का होता है, तो चलो ये सब भी थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर तो हमें मरीन इन्फ्लुएंस के द्वारा काफी हद तक ये चेंज होता है यहां पर टेम्परेचर, ठीक है, और वही चीज तो हम लोगों ने देखा ना। देखो यहाँ पे मरीन फैक्टर के कारण इसके यहाँ का ऑफ कोर्स टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होगा, क्यों, क्योंकि मरीन के एकदम आजू बाजू सटा हुआ है ना यार ये सब चीज, तो इसीलिए मरीन फैक्टर के कारण बहुत हद तक चेंज होता है, क्योंकि वार्म ओशन करंट जब भी बहते हैं तो उस रीजन को वार्म कर देते हैं, या फिर सोचो उस डायरेक्शन में ही विंड प्रिवेल कर रही है, सोचो यहाँ पे कॉन्टिनेंट है इधर विंड प्रिवेल कर रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मॉइस्चर उठा के वो यहाँ पे गिराने की कोशिश करेगी, समझ लो एयर मास का भी एक प्रीडोमिनेंट डोमिनेंस है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा दैट इसका जो मिलता है वो हमें 40 से 65 डिग्री, जिसके अंडर आपका एयर मास काफी ज्यादा फॉर्म होता है, वेस्टर्लीज काफी ज्यादा यहाँ पे डोमिनेटेड रहती है, ठीक है। तो इसके कारण जो है हमें टेम्परेचर के कारण मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी देखने को मिलेगा, जिसके कारण डिफरेंस जो है ना समर और विंटर के बीच में, उसके बीच का डिफरेंस जो है बहुत हद तक घट जाता है। समर यहाँ पर काफी ज्यादा कूल होता है, दैट इज अप टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड हमें समर देखने को मिलता है, बट वहीं पर विंटर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली माइल्ड होता है, दैट इज फ्रीजिंग यहाँ पे जो है ना विंटर में बहुत ही ज्यादा फ्रीजिंग कोल्ड रहता है, ठीक है, इस लैटिट्यूड में। क्यों? क्योंकि ओशन करंट का मॉडरेटिंग इंपैक्ट ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, मतलब ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हार्डली फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब जो सेम लैटिट्यूड रीजन में अगर देख लीजिएगा इनलैंड वाले रीजन में काफी ज्यादा कोल्ड रहेगा, बट वहीं पर इस वाले रीजन में ज्यादा कोल्ड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स ओशन करंट का भी बहुत हद तक यहाँ पे इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, और समर भी रिस्पेक्टिवली इसका कूल ही रहता है, क्योंकि समर में भी मॉडरेटिंग इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। ऊपर से ये जो रीजन लाई कर रहा है वो टेम्परेट रीजन में लाई कर रहा है, सिंपल सा बात है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन अगर देख लीजिएगा तो ऑफकोर्स मैंने पहले ही बोल दिया वेस्टर्लीज के कारण जो है ज्यादातर प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है, और वेस्टर्लीज जो है वो टेम्परेट साइक्लोन को फर्दर पुश करती है इस इनलैंड में घुसने को और बारिश करने को, ठीक है। बट जैसे आप इनलैंड घुसते रहेगा तो ये प्रेसिपिटेशन की जो मात्रा है वो भी कहीं ना कहीं घटती रहेगी, ठीक है। बट ओवरऑल भीतर में भी टेपोग्राफी के द्वारा भी बहुत हद तक प्रेसिपिटेशन को कंट्रोल किया जाता है, एंड दिस आर वेरी ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर जो है ये काफी ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कोई भी ड्राई कंडीशन एज सच यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो क्योंकि एबेंडेंट प्रेसिपिटेशन होता है थ्रू आउट द ईयर, इसलिए हमें एवरग्रीन और कॉनिफेरस ट्रीज भी हमें यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है, जैसे स्प्रूस, पाइन, रेडवुड एक्सेट्रा। ब्रॉड लीफ डेसिडियस फॉरेस्ट की भी मात्रा यहाँ पे है, जैसे ओक,
वॉलनट, मैपल, चेस्टनट एक्सेट्रा, राइट। सो ये रीजन्स है। इसी के साथ हम लोगों ने सी टाइप क्लाइमेट भी कवर किया, ठीक है। अब आ जाते हैं डी टाइप क्लाइमेट, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट नाम से ही पता चल रहा है, कोल्ड रीजन में होगा, ऑफकोर्स वहां पे स्नो भी काफी ज्यादा, स्नो की भी मात्रा होगी, ये कॉमन सेंस लगा लो ये सब, है ना। और उसी से यू नो पहले तो आप क्या बोलते हैं, लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो दैट कौन सा लोकेशन ये एक्चुअली में हो सकता है, ठीक है। जस्ट कोशिश करो, ठीक है। तो हमें पता चलेगा दैट ये जो रीजन लाई करता है वो 40 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड के भीतर में लाई करता है, ये वाला बीच वाला रीजन, ठीक है। और यहाँ पे ऑफकोर्स विंटर तो कोल्ड रहेगा ही, है ना। और एटलीस्ट एक ऐसा मंथ तो जरूर होता है जो क्या, उस जहां पर ग्राउंड जो है पूरा स्नो कवर्ड होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ही है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है। और फॉरेस्ट की भी मात्रा यहां पर है, तो कोल्डेस्ट मंथ अगर देख लीजिएगा तो बिलो 3 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, वहीं पर वार्मेस्ट मंथ जो होगा वो अबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमें यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में हमें इसकी डोमिनेंस ज्यादा देखने को मिलती है, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट में ऐसा चाहिए हमें मिलता है, एक तो है यूरोप, दूसरा है एशिया और नॉर्थ अमेरिका, इस तीन कॉन्टिनेंट्स में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। इनफैक्ट विंटर के समय होता क्या है ना, स्नो स्टॉर्म होता है, हम देखें बहुत किस्म ऑफ स्नो स्टॉर्म, ऊपर से यहाँ पे एयर मास का भी डोमिनेंस काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए स्नो स्टॉर्म ब्लिजर्ड जैसे बहते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्नो स्टॉर्म जो आती है वो आर्कटिक रीजन से ही इस रीजन में घुसने की कोशिश करती है, ठीक है। इसीलिए ये जो आती है ना, ये आर्कटिक एयर मास के थ्रू बेसिकली स्नो स्टॉर्म भीतर में आता है। और इसके भी दो सब टाइप्स है बेसिकली। पहले सब टाइप्स में है डी एफ, दैट इज ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, जहां पे यू नो ह्यूमिड एयर और कोल्ड क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है। और दूसरा है सब आर्कटिक, दैट इज डी डब्ल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड क्लाइमेट और ड्राई एयर यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो एक एक करके देखते हैं ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और सब आर्कटिक। पहले ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल देख लेते हैं, जिसको डी एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखो यहां पर जो एयर तो ह्यूमिड होता है, बट साथ ही साथ क्लाइमेट भी जो है ना वो कोल्ड क्लाइमेट एग्जिस्ट करती है। मतलब ह्यूमिड अगर एयर हुआ, कोल्ड क्लाइमेट है, मतलब ये तो श्योर है दैट ह्यूमिड एयर के कारण वहां पर यू नो ड्राइनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नो ड्राई सीजन्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड देयर। बट हाँ, कोल्ड क्लाइमेट के कारण जो है ना यहाँ पे विंटरनेस काफी ज्यादा एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट डी स्टैंड्स फॉर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड एफ हेयर स्टैंड्स फॉर नो ड्राई सीजन, समझ लो, इसी के कारण इसको डीएफ बोला जा रहा है यहाँ पे। और इसका रीजन क्या है, ऑफ कोर्स लैटिट्यूडनल रीजन, जिसके कारण यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट प्रिवेल करती है। बट अगर इसके लोकेशन की चर्चा करें तो ऑफ कोर्स 40 से 60 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमें प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डोमिनेंस ज्यादातर नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पे इनर ऑफ इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में इसका डोमिनेंस देखने को मिलेगा। टेम्परेचर अगर बात करें तो मीन टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का 3 डिग्री से भी कम होता है, बट वहीं पर समर मंथ का ये 10 डिग्री से भी अबव होता है, ठीक है। ये रीजन का बस वही चीज करना है, सबको रीजन को आराम से आपको दिमाग में रखना है और उसके बारे में यू नो कहीं ना कहीं रिवीजन करते रहना, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन की अगर बात करो तो समर सीजन में यहाँ पे काफी ज्यादा रेन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समर सीजन में ट्रॉपिकल जो एयर मास होती है ना सब ट्रॉपिकल रीजन से, और पोलर एयर मास जो पोलर रीजन से, वो आके टकराती है और वो बहुत हद तक यहाँ पे रेन क्रिएट करती है। बट वहीं पर विंटर सीजन में यहाँ पे रेन ऐसा सच नहीं होता, बट बल स्नोफॉल होता है, वही रेन का स्नो बन जाता है बेसिकली, और कुछ नहीं, है ना। वेजिटेशन की अगर बात करें तो इनके नॉर्दर्न वाले रीजन में आपको एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेगा, सदर्न वाले रीजन में डेसिडस ट्रीज का डोमिनेंस मिलेगा। एवरी यू नो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईस्टर्न रीजन में आपको ग्रासेस देखने को मिलेंगे, और श्रब्स भी जो है सब जगह ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड का भी थोड़ा मोटा डोमिनेंस होता है। और क्लाइमेट जो है काफी ज्यादा एक्सेलेंट है फार्मिंग के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समर्स जो है वार्म होता है, जहाँ पर रेनफॉल रिस्पेक्टिवली ज्यादा होता है, तो ये ऐसे रीजन्स है जहाँ पर फार्मिंग भी अच्छी खासी की जाती है। अब आ जाता है नेक्स्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल को समाप्त करने के बाद, दैट इज सब आर्कटिक, जिसको हम लोग डी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डी डब्ल्यू क्यों? क्योंकि डी स्टैंड्स फॉर क्लोज कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट और डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर ड्राई सीजन, ठीक है। इसलिए इसको डी डब्ल्यू, दैट इज सब आर्कटिक रीजन भी इसको हम लोग कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है दैट कोल्ड क्लाइमेट जो होता है ना यहाँ पे प्रिवेल करता है। ये रीजन देख लीजिए, ये रीजन ऐसा ही है जहां पर कोल्ड क्लाइमेट ही प्रिवेल करेगा और एयर में भी ड्राइनेस रहती है। आप बताओ ना भीतर में कहां से मॉइस्चर आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल विंटर ड्राई होता है और काफी ज्यादा सीवियर भी होता है, इसलिए हम इसको जो है डिफरेंट अदर नाम से भी जानते हैं। कभी कोई कोई बोलता है बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, कोई कोई बोलता है टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। कोई कोई साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी इसको बोलता है सब आर्कटिक क्लाइमेट को। तो आपको इन नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, राइट। सो रिमेंबर इट,
नाउ इसकी लोकेशंस अगर देख लीजिएगा तो 50 से 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें ये चीज देखने को मिलेगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसा ये बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। लैंडमास की अगर बात की जाए तो जैसे ओशन से अगर आप दूर जाते रहोगे ना तो वहां पर जो है आपका ये घटते रहता है, ठीक है। तो आई मीन इसकी इन्फ्लुएंस बेसिकली घटते रहती है, एक्चुअली ये ओशन से ही दूर में ही कंडीशंस में प्रिवेल करता है। अगर टेम्परेचर की अगर बात करें तो एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोले तो बहुत ही ज्यादा, देखो कोल्ड के समय में जो विंटर होता है ना वो काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि ये रीजन ही ऐसा है जहां पर यू नो बहुत ही कम सूरज की रोशनी हमें गिरती है, ठीक है। तो मोर देन 8 मंथ्स तो ऐसा कंडीशन रहता है जहां पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड भी प्रिवेल करता है, और समर सीजन आता भी है तो बहुत ही शॉर्ट समर सीजन रहेगा, और वहां पर भी टेम्परेचर मैक्सिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाता है। इसीलिए समर सीजन जो है ये बहुत छोटा रहता है, दैट इज अराउंड 50 to 70 डेज, जहां पर यू नो वहां के किसान जो है थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, ठीक है। तो समर जो है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली शॉर्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये रीजन भी जो है वो डोमिनेट किया गया है बाई वेस्टर्लीज एंड साइक्लोनिक एक्टिविटीज और डिफरेंट अदर फैक्टर्स तो है ही, ये ज्यादा लैटिट्यूडनल एरिया में रहता, सॉरी ज्यादा ऊपर लैटिट्यूडनल एरिया में रहता है, ठीक है, वो सब सारे तो फैक्टर्स है ही, ठीक है। बट साथ ही साथ समर के समय रेन भी होता है, और रेन के कारण जो है स्नो कवर्स कहीं ना कहीं मेल्ट कर जाते हैं। विंटर का अगर ले ले तो विंटर ऑफकोर्स समर जैसा शॉर्ट होता है, विंटर वैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, जो क्या फर्दर डोमिनेट किया हुआ रहता है बाई पोलर हाइज एंड ईस्टर्लीज दैट इज कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन। इसलिए यहाँ पे हमें स्नोफॉल भी ज्यादा देखने को मिलता है, और परमाफ्रॉस्ट के जो कंडीशन है ना, दैट इज परमाफ्रॉस्ट क्या होता है ना, दैट जब जमीन ही फ्रीज हो जाए, ठीक है, जमीन क्यों फ्रीज हो जाए, दैट देखो जमीन के भीतर तो पानी रहता है ना, वही इतना ठंडा रहता है दैट वो पानी फ्रीज हो जाता है, समझ रहे हो बात, तो वो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। प्रेसिपिटेशन की अगर बात की जाए तो एनुअल रेन अगर देख लीजिएगा वो रिस्पेक्टिवली बहुत ही कम रहता है। इनफैक्ट एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, हम लोगों ने पहले ही बोला दैट विंटर सीजन जो है ये बहुत बड़ा होता है, तो ऑफकोर्स लॉन्गर पीरियड के लिए जो है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, विच इज फर्दर नॉट विच डज नॉट फेवर इवापोरेशन, और वहां पे लो अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी हमें इसके कारण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो लोकेशन है वो है लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, है ना, दैट इज माउंटेन के जो ये होता है विंडवर्ड, जिधर से विंड आ रही है और जिधर से वो विंड गिर रही है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रीडोमिनेटली हमें लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन में ज्यादा देखने को मिलता है, और कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पोर्शन में इस टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें डोमिनेट होता हुआ दिखता है, और यहाँ पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तो रहेगा ही, और साथ ही साथ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी प्रिवेल करती है। ये सब तो समझाने की जरूरत नहीं, अभी तक जितना सारे पढ़े थे हम लोगों ने, अगर इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक जो हम लोगों ने एनालाइज किया तो यहाँ पर तो ऑफकोर्स यार एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस ही प्रिवेल करेगा, है ना, हाई प्रेशर ही प्रिवेल करेगा, और क्योंकि बहुत छोटा एक समर सीजन यहाँ पे देखने को मिलता है 50 से 70 दिन का, तो इसीलिए यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन भी वो भी काफी ज्यादा कम रहता है, अराउंड 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर ही सिर्फ। वेजिटेशन की अगर बात करें तो ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें नहीं है, बहुत ही कम डाइवर्सिटी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्नो कवर रहता है, ठीक है, और कॉनिफरस फॉरेस्ट थोड़े मोड़े यहाँ पर डोमिनेंट देखने को मिलता है, विच इज वेरी रिच सोर्स ऑफ सॉफ्ट वुड, ठीक है, जैसे पाइन ले लो, फर ले लो, स्प्रूस, लार्च, ठीक है, ये सब डोमिनेट होते हुए दिखता है, ठीक है। टेम्परेट डेसिडियस हार्ड ट्रीज जो है यहाँ पे मिलते हैं, बट काफी ज्यादा कम ही मिलते हैं, ज्यादा सच नहीं मिलते हैं, बट ये रीजन जो है ना सेकेंडरी सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और पॉपुलर जो स्पीशीज है यहाँ पर ट्रीज की, ठीक है, वो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ओवर दिस रीजन, जो क्या लाई करता है ऑफ द सेकेंड आई मीन सेकेंडरी सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर दैट मच, क्योंकि एक तो ज्यादा बड़ा यू नो ग्रोइंग सीजन है नहीं, उस पर से सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो भी काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है, तो इसलिए वेदर ही ओवरऑल कंड्यूसिव इसका नहीं होता है। तो डी का भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब ई टाइप क्लाइमेट देख लेते हैं, जिसको हम लोग पोलर टाइप क्लाइमेट कहते हैं। इसके अंडर दो टाइप्स हम लोग डिस्कस करते हैं, एक टुंड्रा टाइप, एक आइस कैप टाइप, ठीक है। तो देखो इसका लोकेशन देख लो, किस रीजन में ये बेसिकली डोमिनेट करता हुआ हमें दिखता है, ठीक है। तो ओवरऑल 70 डिग्री लैटिट्यूड दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी सदर्न हेमिस्फेयर में भी, यहां पर हमें इस टाइप के जो क्लाइमेट है एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं। समर इसका बहुत ज्यादा कूल होता है, और विंटर की अगर बात करें तो भैया समर अगर कूल हुआ तो विंटर तो वेरी कोल्ड होगा ही, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ग्लेशियर्स और परमाफ्रॉस्ट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो ऑफकोर्स कूलनेस कंडीशन तो बनता है यार, है ना।
नॉर्दर्न पोल में अगर देख लीजिएगा तो समर सीजन जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और विंटर सीजन -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, जिसके कारण आइस सीट का फॉर्मेशन काफी ज्यादा कंड्यूसिव होता है, ठीक है। और इसकी जो एक्सटेंट है ना वो सदर्न हेमिस्फेयर में रिस्पेक्टिवली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। वो आप देख भी ले सकते हो, अंटार्कटिका इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। साउथ पोल में वहीं पर समर सीजन बहुत ही ज्यादा कम होती है, देख रहे हो यहाँ पर तो नॉर्थ पोल में समर सीजन तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर तो -27 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ पोल में। सोच के देखो कैसे साइंटिस्ट जाकर वहां पर बेसिकली स्टडीज करते हैं, राइट। और विंटर की अगर बात करें तो ये -60 डिग्री सेंटीग्रेड पोलर रीजन है ना, काफी ज्यादा कम मॉइस्चर वहां पे मिलता है और एयर जो है वहां पर रिस्पेक्टिवली ड्राई एयर होता है, ठीक है। इसलिए रेनफॉल जो है मात्रा वो काफी ज्यादा कम होगी। पोलर रीजन को हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, जैसे हॉट डेजर्ट होता है ना वैसे ही यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट, बट अगेन वो पोलर रीजन में तो नहीं लाई करता है बट हायर एल्टीट्यूडनल रीजन में लाई करता है, बट हाँ जो हायर लैटिट्यूडल रीजन में लाई करता है वहां पर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और वेजिटेशन की आप बात करें तो ऑफकोर्स यार आप खुद सोचो, एक तो ठंडी तो रहती नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो वहां पे क्या वेजिटेशन आपको मिलेगा। वेजिटेशन के लिए भी तो थोड़ा तो हीट चाहिए ना भाई। अच्छा होता भी, अगर मिलता भी है तो मॉसेस लिचन्स, ये ऐसे होते हैं जो कि एकदम जमीन से सटे हुए रहते हैं, क्योंकि जमीन में ही अगर गर्मी होगा तो क्या जमीन में ही थोड़ा मोड़ा गर्मी निकलेगा थ्रू द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो इसीलिए अगर मॉसेस लिचन्स हमें मिलते भी है ना तो वो ऐसे मिलते हैं जो क्या यू नो एकदम जमीन से सटे हुए रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ टूंड्रा अब देख लेते हैं दो इसके क्लाइमेटिक टाइप्स। पहला टूंड्रा क्लाइमेट, दैट इज ईटी, ई स्टैंड्स फॉर कोल्ड पोलर क्लाइमेट, टी स्टैंड्स फॉर टूंड्रा। यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई समर सीजन होता नहीं है, इसका लोकेशन अगर देख लीजिएगा 60 से 75 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में हमें देखने को मिलेगा, और मेनली ये आर्कटिक ओशन के कोस्ट के अलोंग, ये आप देख रहे हैं पूरा जो ये कोस्ट के अलोंग ही हमें दिख रहा है ना, दिख रहा है ना जी, ठीक है। अच्छा ये जो है लाई करता है बिटवीन द सदर्न लिमिट्स ऑफ नॉर्थ परमानेंट आइस कैप, दैट इसके ऊपर जो है नॉर्थ परमानेंट आइस कैप होगा और नीचे में टाइगर होगा, ठीक है। पिछले पढ़ा जो हम लोगों ने, अलास्का इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जहां पे हमें ये चीज मिलता है, नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरोप, नॉर्दर्न साइबेरियन रीजन में ही हमें ये क्लाइमेट प्रिवेल करते हुए हमें दिखता है, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो समर सीजन में कभी कभी तो ये कुछ कुछ पहुंच जाता है, मतलब देखो अब देखो ये सोचो ये रीजन हुआ, ठीक है, हम लोगों ने इस रीजन का अगर बात कर रहे हैं इस रीजन का, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो रीजन हुआ ये इक्वेटर वर्ल्ड रीजन हुआ, ऊपर वाला जो रीजन हुआ ये पोल वर्ल्ड रीजन होगा, ठीक है। तो जो इक्वेटर वाला वर्ल्ड वाला रीजन हुआ ना वहां पे कभी कभी ऐसा भी दिख जाता है दैट 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, बट वो भी जो है ना समर सीजन जो है काफी ज्यादा शॉर्ट होता है और वो भी बहुत ज्यादा कूल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप देख लीजिएगा आइसोलेशन बिल्कुल खत्म होती है, यहाँ पे आती ही नहीं है सन की रोशनी, और आती भी है तो तिरछी आती है काफी ज्यादा, ठीक है। विंटर बात करें तो बिलो 10 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देखने को मिलता है, काफी ज्यादा लॉन्ग विंटर होता है, बिटरली कोल्ड हमें देखने को मिलता है, कभी कभी तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज आप सुबह से लेकर शाम सॉरी रात को अगर देख लीजिएगा तो वो काफी ज्यादा कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ठंडा ही रहता है यार, है ना, तो ठंडा में कितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा, ये सब ट्रॉपिकल रीजन तो नहीं है, है ना, या फिर मिड लैटिट्यूडनल रीजन तो नहीं है द डायरनल रेंज काफी ज्यादा हो ना, यहां पर भी कम होता है और पोलर सॉरी ट्रॉपिकल रीजन में भी काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है। बट एनुअल रेंज रिस्पेक्टिवली थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि देखो ठंडी के समय क्या होता है ना, ठंडी के समय यहाँ पे आपको जाके -45 तक भी पहुंच जाता है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, बट वहीं पे गर्मी के समय हम लोगों ने क्या देखा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंचता है। तो आप खुद सोचो सोचो -50 डिग्री से 10 डिग्री मतलब रेंज कितना हुआ, 60 डिग्री का हुआ क्या, नहीं है ना, तो वही जो बता रहा है एनुअल रेंज जो है ना ये लेकिन बहुत लार्ज है, बट हाँ डायरनल रेंज अगर देख लीजिएगा दैट इज एक ही दिन में कितना टेम्परेचर हो रहा है वो लेकिन रिस्पेक्टिवली कम होता है, ठीक है। ग्राउंड सरफेस जो है वो स्नो से ढका हुआ रहता है मिनिमम 7 मंथ के लिए, और अगर वहां पे यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ब्लिजर्ड जो कंडीशंस होता है ना वो इसी टाइप के रीजन्स में हमें बनते हुए दिखते हैं, जिसके कारण ये ब्लिजर्ड जो है सदर्न यू नो लैटिट्यूड्स में भी पहुंच जाती है, ठीक है। और यहाँ पे परमा फ्रॉस्ट का भी काफी ज्यादा हमें डोमिनेंस देखता हुआ मिलता है। प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो इस रीजन में मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन काफी ज्यादा कम होता है, दैट इज 40 सेंटीमीटर ही है, और वो अगर होता भी है तो स्नोफॉल के तरह ही होता है, ठीक है, मतलब ऐसा सच रेनफॉल नहीं होता, स्नोफॉल होता है यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा कम होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस प्रिवेल करते हैं, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन दैट इज बारिश भी ज्यादा नहीं होती है, और ज्यादातर अगर बारिश होती भी है थोड़ा मोड़ा
तो तब होती है जब या तो समर या फिर ऑटम सीजन हमें देखने को मिले। तीसरा है वेजिटेशन। वेजिटेशन अगर बात की जाए तो इट डज नॉट फेवर वेजिटेशन, क्यों, ये ज्यादातर जो है बैरन लैंड ही रहता है, और क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल की कंडीशंस होती है वो लिथोसोल टाइप की ऑफ सॉइल कंडीशन होती है, इसलिए ये भी अगर सपोर्ट करती है ना तो सिर्फ लिचेंस या फिर मॉजेस को ही सपोर्ट करती है। क्रायोफाइट्स जैसे वैसे यू नो प्लांट्स जो कि अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कोल्ड क्लाइमेट से, उस टाइप के प्लांट्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और प्लांट्स वैसे होते हैं जो क्या ग्राउंड सरफेस से अपने आप को स्टिक कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ग्राउंड सरफेस ही ऐसा सरफेस है जहां पर रिलेटिवली एटमोसफेयर से तो थोड़ा ज्यादा गर्मी मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए वैसे ही हमें मिलते हैं। हर्ब्स जैसे कुछ कुछ रीजन ऐसे भी है जहां पर हर्ब्स हमें मिलते हैं, है ना, और वो वैसे रीजन में मिलते हैं जहां पर आइस या फिर स्नो नहीं जमता है, ठीक है। वैसे अगर फौना अगर देखोगे तो किस टाइप के फौनल स्पेशीज आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, सबसे पहला यहां पर पोलर बियर बहुत ज्यादा मिलेगा, आर्कटिक फॉक्स, स्नो ओल, रेनडियर, ठीक है, वो क्रिसमस वाला जो है ना जो सेंटा क्लॉस को ले जाता है वो क्या है, रेनडियर ही ना है, ठीक है, तो यही सब हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे। बॉडी कवर्ड विथ फर, जी हाँ, अगर कुछ कुछ फौना स्पेशीज यहाँ पे अगर हमको देखने को मिल भी रहे तो ये वैसे फौनल स्पेशीज है जिनका बॉडी जो है ना लोम से कवर्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स क्या होता है ना उसके बॉडी से ज्यादा एक तो इंसुलेशन कम रहता है, ठीक है, सन की रोशनी ज्यादा नहीं आती तो उसकी बॉडी गर्मी कैसे होगी, है ना, तो गर्मी एटलीस्ट जिससे गर्मी शरीर से ज्यादा बाहर नहीं निकले, इसलिए उनका जो शरीर ही होता है ना एकदम फर का बना हुआ रहता है। तो टुंड्रा क्लाइमेट तो आपको समझ में आ गया। अब आइस कैप वाला रीजन अगर देख लीजिएगा, दैट इज ई एफ, ई स्टैंड्स फॉर पोलर कोल्ड पोलर क्लाइमेट एंड एफ स्टैंड्स फॉर आइस कैप, ठीक है, ये लोकेटेड कहां पर है भैया, नियर द नॉर्थ पोल एंड नियर द साउथ पोल। नॉर्थ पोल में जो है ये आर्कटिक रीजन के अलॉन्ग लोकेटेड है जहां पर यू नो फ्रोजन लैंड हमें मिलता है, आर्कटिक में भी सेम फ्रोजन लैंड ही हमें मिलता है, और कभी कभी जो है ना टॉप माउंटेन्स के जो टॉप में रहता है जैसे हिमालयाज ले लो, रॉकीज ले लो, एल्प्स ले लो, तो वहां पर भी आपको इस टाइप के पोलर कैप आइस पोलर आइस कैप्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर कभी भी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। अच्छा, क्या रीजन है, ऑफकोर्स सोलर इंसुलेशन काफी ज्यादा कम होती है और बहुत तो हाई लैटिट्यूड हाई एल्टीट्यूड में भी लोकेशन होती है। प्रेसिपिटेशन अगर होती भी है तो बहुत ज्यादा कम होती है, प्रिडोमिनेटली स्नोफॉल के तरह ही होती है ज्यादातर। और क्लाइमेट अगर देख लीजिएगा दो एक्सट्रीम सीजन देखने को मिलेंगे, एक तो समर जहां पर 24 घंटा यहाँ पे डे का लाइट हमें देखने को मिलेगा 24 घंटा, है ना, जैसे सोचो ये नदर हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है, तो समर के समय क्या होता है ना अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन हमें नदर हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है, तो इसके कारण जो है ना ये रीजन जो है ये सब समय सन के तरफ बेंड रहता है ना, और यहाँ पर जो है 24 घंटा डेलाइट ही हमें देखने को मिलेगा, बट वहीं पर अगर सदर्न हेमिस्फेयर में चले जाओ तो 24 घंटा आपको रात ही देखने को मिलेगा, ठीक है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे मोसेस और लिचेंस काफी ज्यादा हमें मैंने यही इसी टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं, ये क्या है फंगस और एल्गी का लिचेंस, क्या है फंगस और एल्गी का बेसिकली कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो यही हमें देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ अगर देख लीजिएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है हमें पोलर बियर्स की काफी ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलते हैं, बट वहीं पर सदर्न हेमिस्फेयर में जो है पेंगुइंस काफी ज्यादा डोमिनेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें थी हमें ई टाइप क्लाइमेट्स के बारे में डिस्कस करने की। एच टाइप क्लाइमेट अगर आ जाते हैं तो एच बेसिकली टोपोग्राफी के द्वारा ही डोमिनेट किया हुआ रहता है, ठीक है, और टोपोग्राफी के कारण ही उस रीजन का सराउंडिंग क्लाइमेट इंपैक्ट होता है, दैट इज टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉरी प्रेशर कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कंडीशंस, ये सब कुछ जो है टोपोग्राफी के कारण ही इंपैक्ट होता है। जैसे रॉकीज माउंटेन ले लो, हिमालयाज माउंटेन ले लो, तिब्बत ले लो, साउथ आपका जाके एंडीज माउंटेन्स ले लो, ये सब क्या है, ये सब जो है आई मीन यहाँ पर हाईलैंड क्लाइमेट ही मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ के टोपोग्राफी ने इसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है, ठीक है। और बेसिकली एलिवेशन ऑफ माउंटेन के ऊपर डिपेंड करता है दैट यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का प्रेसिपिटेशन क्या होगा। वेजिटेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक ट्री लाइन दिखता है, दैट इज सोचो अगर ये अगर माउंटेन है, ठीक है, तो ट्रीज अगर उगेंगी भी ना एक एक समय एक एक एल्टीट्यूडल वाइज लिमिट होता है जहां तक ट्री उग सकती है, ठीक है, इसके ऊपर जो है ट्री कभी नहीं उग सकती, ठीक है, तो ये जो लाइन है ना इमेजिनरी लाइन जिस तक जहां तक ट्री उग सकती है उसको हम लोग ट्री लाइन कहते हैं, ठीक है। एंड ये ट्री लाइन जो है डिवाइड करता है वेजिटेशन डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर सॉइल एज वेल एज मॉइस्चर इन वेरियस हाईलैंड रीजन, राइट। सो विद दिस ये जो डिफरेंट टाइप्स है वो हम लोगों ने कोएपेंस का टाइप्स को कवर कर लिया आज के क्लास में, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके इवेल्युएशन देख लेते तो भाई, ठीक है, अब ऑफकोर्स कोएपेन ने इतने क्लासिफिकेशन तो रखे, ठीक है, बट इसकी क्या क्या यू नो उपलब्धियां हैं वो सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो
नो डाउट, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था क्लास के दैट टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन कंडीशंस के आधार पर जो है इन्होंने कोई भी क्लाइमेटिक रीजन्स को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, ठीक है। तो इन्होंने ये इसका हम लोग अच्छा बोल सकते हैं दैट ये दो क्राइटेरियाज दैट इज प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के आधार पर इन्होंने दुनिया के क्लाइमेट कंडीशंस को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस की क्लासिफिकेशन जो फर्दर रखी गई, 11 टाइप 5 मेजर को 11 माइनर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो रखा गया, वो क्लासिफिकेशन फर्दर बेस्ड होता है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लोरल टाइप्स ऑफ दैट रीजन और द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट रीजन। दैट इज वहां पे किस टाइप ऑफ फ्लोरल कंडीशंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप ऑफ प्रिवेल करती है और वहां पे किस टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रीडोमिनेटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन। नाउ व्हाट डू आई मीन हियर बाय इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन, बताइए। तो देखिए यहां पे क्या होता है, टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है ना वो मैटर नहीं करता है जब भी हम लोग इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन हो रहा है दैट कितना बारिश हो रहा है ना, और साथ ही साथ कितना उतना उस जो बारिश या फिर प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है कितना पानी एक्चुअल अवेलेबल हो रहा है प्लांट्स को जिससे वो प्लांट्स ग्रो कर सके उस पानी के थ्रू, उसको हम लोग इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर है दैट मोर इट वॉज अपील टू द ज्योग्राफर्स एसोसिएटेड विद वेजिटेशन टाइप्स एंड द क्लाइमेटिक टाइप्स। देखो एक्चुअली इससे पहले जो क्लाइमेटिक टाइप्स की डिफरेंसिएशन थी वो ज्यादा अपीलिंग नहीं थी ज्योग्राफर्स के लिए, बट क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जो है वेजिटेशन टाइप्स के आधार पर रखा गया, क्लाइमेटिक टाइप्स के आधार सॉरी प्रेसिपिटेशन टाइप्स के आधार पर रखा गया, टेम्परेचर एग्जिस्टिंग ओवर दैट एरिया उसके आधार पर क्लाइमेट किया गया। तो देखो ये फैक्टर्स जो है टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन वेजिटेशन ये सब क्या है, ये तो सारे आप बोल सकते हैं दैट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के आधार पर ही जब ज्योग्राफी आई मीन कोई भी एनालिसिस किया जा रहा है तो ज्योग्राफर्स को ये काफी ज्यादा अपीलिंग होता है, ठीक है। काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव भी है, इजी भी है, जनरलाइज्ड भी है और सिंपल भी है ना, ये हम इसको फायदा बोल सकते हैं। यही नहीं, एक इजी लेटरिंग किया गया है, AF नॉर्मल, AM ठीक है, AW इस टाइप का नॉर्मल लेटरिंग की गई है जिससे सब कुछ समझ में आ जाए, जैसे M से मॉनसून, W से वेट एंड ड्राई, ठीक है। तो इस टाइप से इजीली समझने की आई मीन इजी लेटरिंग बेसिकली किया गया जिससे आराम से समझ सके, बट इसकी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी है। वो ड्रॉबैक्स क्या क्या है चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये कहीं ना कहीं अनड्यू सिग्निफिकेंस इन्होंने दे दिया ऑन द मीन मंथली प्रेसिपिटेशन एंड मीन मंथली टेम्परेचर, ठीक है। देयर फॉर इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट आई मीन डिमार्केट अ पर्टिकुलर रीजनल क्लाइमेट, क्योंकि देखो हाँ ओवरऑल बड़ा मैक्रो फैक्टर में तो आप कोई भी क्लाइमेटिक रीजन को इसके थ्रू आराम से डिलीनेट कर सकते हो दैट हाँ भैया इस रीजन में ओवरऑल ये क्लाइमेट एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसमें भी तो रीजनल रीजन होती है ना, दैट इज यहाँ पे इस ये रीजन ये रीजन ये रीजन ये रीजन, ठीक है। तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा वो चीज तो आप माइक्रो लेवल में तो डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, मतलब। और किसान लोगों को क्या चाहिए, किसान लोगों को ऐसे ही डेटा चाहिए, तो इसके डेटा के आधार पर किसान भी अपना डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्या हम यह बोल सकते हैं। देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने दे दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। एंड कहीं ना कहीं डिफरेंट अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर को इन्फ्लुएंस करने का, जैसे प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, नंबर ऑफ रेनी डेज, है ना, उसके बाद डेली एक्सट्रीम टेम्परेचर, विंड्स, ये सब कहीं ना कहीं कंसिडर इन्होंने ज्यादा भाव इसमें नहीं दिया था। साथ ही साथ दूसरा क्रिटिसिज्म अगर देख लीजिएगा तो इट डज नॉट इंक्लूडेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एयर मासेस। देखो एयर मासेस के कारण भी तो बहुत हद तक चीजें चेंज होती हैं, आपने एयर मासेस को तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं भाई, ठीक है। दूसरा है क्लाइमेट्स जो है वो अल्फाबेट्स के आधार पर अपने क्लाइमेट्स को बोल रहे हो, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द वेरियस फॉर्मूलाज, है ना, बट वो AF है ना, ये सब सब कुछ को जो आप हम अगर रटेंगे तो वो रटना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है ना। देखो आपको भी अगर मैं डायरेक्टली पूछूंगा ना दैट भैया बताओ मॉनसून क्लाइमेट, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका पिक्चर दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं अचानक से बोल दूं दैट AM टाइप ऑफ क्लाइमेट, सोचो आज से 2 साल बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, AM टाइप ऑफ क्लाइमेट, आप बोलोगे यार AM क्या पढ़े थे, हाँ कुछ तो पढ़े थे कोएपेंस में, थॉर्न व्हाइट या त्रेवार था में, बट मुझे पता नहीं आ रहा है क्या चीज है, ठीक है। वही चीज बोला गया दैट डिफिकल्ट टू मेमोराइज है कहीं ना कहीं है ये, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देख लीजिएगा एवरग्रीन एंड डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है वो इट इज फाउंड एट वन प्लेस, ठीक है, प्रैक्टिकली ज्यादातर, ठीक है, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन में। उस चीज को जो है प्रॉपर तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया परकोलेशन लॉस के को और इवापोट्रांसपिरेशन लॉस, ये सब को भी ज्यादातर कंसिडरेशन कोएपेंस के थ्योरी में नहीं किया गया है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो क्या इसका क्रिटिसिज्म बनाता है कोएपेंस की थ्योरी का, ठीक है। तो इसी के साथ ये कोएपेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।